बैठने को मत आए, बैठने बात नहीं करना, मैं सामने बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कौन क्या कर रहे हो, इधर सुना ध्यान से। इसलिए कहते हैं ये भजन आप पहले सब जानते हो, ये भजन किसका है, किसने लिखा था, कौन बोलेगा हाथ उठा, ये भजन को लिखा किसने, कौन बोलेगा, बोलो कुछ नहीं जानते। हाँ सूरदास, ये मैया लगते हैं बड़ी ज्ञानी है मैया, हाँ तभी तो बेटा भजन करते हैं, इसलिए सारे प्रश्न का उत्तर यही दे रही है। इसलिए ये सूरदास का भजन है, है? देखो कृष्ण ने क्या एग्जाम्पल किए, बोले मैया मोरी में नहीं माँ कहने खायो, बोले भोर भयो गई अन्न को पाछे मधुबन मय पठायो, बोले चार ही प्रहर बंसी बट भट को सांझ पड़ो धरायो, दिन भर गैया चराया शाम का आया, अरे आकर के रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं, बोले हाँ गोद भर रात भर सोया, बोले दिन भर गैया चराया रात भर तेरे घर में गोद में सोया, अब मैंने मखन तुम छोड़ बता दे मैया, बोले मैं बालक भई अपने तो छोटो कहीं भी छिके पायो, मैं इतना छोटा बालक मखन कहाँ रखते पर छिके के ऊपर है, बता मेरे हाथ कैसे गया वहां पर, मेरे हाथ गया कैसे, बोले तेरे मुंह में जो मखन लगा हुआ रहता है। कृष्ण कहते भैया क्या बताऊं, मेरे जो सखा लोग है ना इतने दुष्ट है, खुद तो खुद मखन चोर कर खाते हैं, कहते बरबस मुंह लपटाए जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मखन लगा करके और खुद मखन खा करके मेरे को मखन चोर कह देते। कृष्ण बोले लगता है भैया मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर फेंक गया था, तो वहां से ला करके मेरे को पाल रहे हो, क्योंकि दुनिया कहते हैं मखन चोर, तू भी कह रही हो, इसका मतलब तू मेरा अपना बेटा नहीं मानते हो, तू दूसरों की बात तो सुनती हो। जब इतना बोले मैया का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया, मैया ने कन्हैया को गोद में भर दिया, बोले लाला तेने मखन चोरी नहीं की। फिर कृष्ण बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मां, ये जो सूरदास है ना इतने बड़े कवि, सूर मतलब अंधे थे लेकिन उनका दिव्य नेत्र था, क्या सुंदर सुंदर उन्होंने भजन लिखे हैं। इसलिए देखो कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी करते थे, बोले क्यों, कहते मक्खन चोरी का तात्पर्य क्या, ये चीज को समझ लो, ठीक है। कृष्ण तो भगवान है, दुनिया का मालिक ठाकुर जी, चोरी कौन करता है, जिसको घर में कोई चीज नहीं हो कोई तो चोरी करेगा ना, लेकिन ये तो सारा दुनिया की मालिक है तो वो चोरी किस चीज की करेगी। फिर कृष्ण ये मक्खन चोरी क्यों करते थे, इसका क्या रहस्य है, कहते संतों ने बड़ी सुंदर उदाहरण दिया है, इसका नाम है मखन, मखन मख मतलब होता है क्रोध, अन्ना मतलब नहीं। ठाकुर जी किस चीज की चोरी करते हैं, बोले जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह जिनके हृदय में नहीं, ठाकुर जी किस चीज को चोरी करते हैं, हैं? अभी प्रश्न है आप बताओ ये काम क्रोध लोभ किसकी हृदय में नहीं, बोले संतों का हृदय, किसके हृदय में नहीं, इसलिए बताया ना संत हृदय न बनी तसमान का, संत हृदय निकाल दिया वायर निकाल दिया, बंद करके लगाओ, बंद ब्लास्ट हो जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 संतों का हृदय ही, ये मक्खन जैसे संतों का हृदय है, हैं? इसलिए जगत में सबसे बड़े संत कौन है, और ये ब्रजवासी, और ये जो ब्रज की जो गोपियां हैं ना, कल सुन रहे थे ना कि गोपियां कौन है, पूर्व जन्म की बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्या करके गोपी बन करके आए, पूर्व जन्म के वेद का जो मंत्र थे वो सब ऋषि बन करके आए, भगवान राम जब जनकपुरी में गए थे वो जनकपुरी का जितने लड़कियां सीता जी की सहेली तपस्या करके ये गोपी आई हैं, इसलिए ये गोपियां कोई लड़की है नहीं, ये कठोर तपस्या करके सबके सब ये गोपी बन करके आई। इसलिए कृष्ण मक्खन चोरी करने नहीं, कहते भक्तों का हृदय को चोरी करने के लिए जाते थे, इसलिए कहते ये मक्खन कैसे बनते हैं, आप लोगों ने मक्खन बनाए हो, कौन कौन मक्खन बनाए हाथ उठाओ, कौन कौन जिंदगी में मक्खन बनाए हाथ उठाओ,
कोई हाथ नहीं उठा, क्या चक्कर? मक्खन बनाए कि नहीं बनाए? देखो कि मक्खन कैसे बनता है। पहले दूध लाओ, दूध को पहले गर्म करो, गर्म करके फिर दूध को थोड़ी सी ठंडा कर दो, ठंडा के बाद में उसके बाद में फिर जमन डालो। बोले इसका मतलब क्या है? यदि ये दूध गर्म करना मतलब होता है, जब किसी हृदय में भगवत प्राप्ति की जब उत्कंठा जगे, ठाकुर जी कैसे मिले, ठाकुर जी मेरे को कैसे मिले, इसको उत्कंठा कहते हैं। प्रभु कब मिले? जब इसकी उत्कंठा आई उसको बाद में जमन डाले। बोले ये जमन क्या है? बोले ये जमन है जब किसी सदगुरु के पास से हम भगवान की मंत्र ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी के नाम को हम ग्रहण करते हैं, यही क्या हो गया? यही हो गया जमन। इसलिए कहते हैं ना, बिनु गुरु भगत दी करे ना कोई जो बिरिची शंकर समा हुई। देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक संत किसी घर में कथा कर रहे थे। जब कथा कर रहे थे बोले देखो, जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेता है ना, ये भव सागर से पार हो जाता है। लेकिन उसको घर में एक तोता पिंजरा में रहता था। इतने में जब बोले वो तोता ने बोल पड़ा, बोले बाबा क्या बोल रहे हो, ये झूठ मूठ का बात क्यों बोलते हो? भगवान का नाम लेने से संसार से तर जाते, झूठ क्यों बात बोलते हो? बोले भैया झूठ क्या, मैं तो सच ही बोला। बोले देख मैं तोता हूँ, अभी घर में जो आते हैं ना, मैं सबको राम राम बोलता हूँ, मालिक को सबसे पहले राम राम, कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ। अभी तक मेरा ये छोटी सी पिंजरा से ही मेरे को उधार नहीं मिला, और तू कहाँ कहे तो भव सागर से पार हो जाए, ये सब बेकार बात। चुप रह बाबा, तो चुप हो गए। बाबा गए घर में और अपना गुरु जी से बोले, गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, ये तोता ऐसे बोला। बोले ठीक है बेटा, कल मैं चलता हूँ, फिर तुम जाकर कथा सुना दो। दूसरे दिन गुरु जी आए, जब गुरु जी आए फिर उन्होंने कथा सुनाई। जब कथा सुनाए फिर तोता फिर बोल पड़ा, बोले बाबा फिर वही झूठ बोलते हो, जो प्रभु का नाम लेता है संसार से पार हो जाता है। तब वो गुरु जी बोले, भैया झूठ क्या, सची तब? बोले तुम मेरे को ही देख लो ना, मैं सबको राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी ये पिंजरा से ही मेरे को उधार नहीं हुआ, भव सागर तो बहुत बड़ी चीज है। तो गुरु जी ने कहा, देख बेटा इसलिए ये पिंजरा से तेरे को मुक्ति नहीं मिला, तू जो नाम कर रहे हो ना, तुमने ये नाम को इधर सुना, तुम जो ये नाम को किसी सदगुरु से तुमने नहीं लिया, इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए तेरे को ये मुक्ति नहीं मिलता है। अगर सदगुरु से लोगे नाम ना, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इतने में तोता ने कहा, इधर देखो सबके सब। इसलिए तोता ने बोले, बोले देखो ठीक है, आप मेरे को मंत्र दे दो। जब इतने बोले तब उनको गुरु जी ने उसको प्रभु का मंत्र दिया। बोले देख बेटा, अगर ये पिंजरा से मुक्ति पाना चाहते हो, एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले देख, जब तक ये पिंजरा में रह करके तुम राम राम कृष्ण कृष्ण बोलोगे ना, मुक्ति नहीं मिलेगा। बोले बोल तो क्या करना पड़ेगा? जब यदि जब कथा विश्राम हो जाएगी, तुम मरने का बहाना बनाना। जब मरने का बहाना बनाओगे फिर लोग तुमको पिंजरा से निकालेंगे, निकाल करके तुम जब आरती में लेटा करके ले जाए ना, तब फायर करके उड़ जाना और क्या। वाह गुरु जी तो बढ़िया मंत्र दिया। जब ये कथा विश्राम हो गई, ये तोता ने किया कि बस मरने का बहाना बना। बोले वाह तोता का जीवन धन्य हो गया। क्यों? बोले भगवान की कथा सुनते सुनते इसने अपना शरीर छोड़ दिया। देखो क्या भाग्य है, चलो इसकी आरती सजाओ और इसको राम नाम सत्य करते करते लेटा करके उसको जलाएंगे। जब उन्होंने आरती सजाया, तोता को लेटा दिया, गले में सुंदर माला पहनाए, और जब उसको राम नाम सत्य करते करते ले जाते ना, इतने वो तोता ने किया क्या, फर करके तोता ने उड़ गया। इतने गुरु जी ने पूछा, क्यों भैया गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? बोला हाँ, गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं, अभी प्रश्न है, पुराण में तो भगवान का नाम लिखा हुआ, शास्त्र में लिखा हुआ, अभी प्रश्न है फिर आप गुरु जी से फिर ये नाम लेंगे, क्या जरूरत? ये चीज को समझ लो। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन उत्तर दे पाता है। कुछ ऐसे कुछ वृक्ष होते हैं, जिस वृक्ष का बीज को अगर आप डायरेक्ट पेड़ से वो बीज को लेकर के बोओगे ना, वो पेड़ नहीं होगा। ऐसे कुछ वृक्ष है, कौन बोल सकता है ये वृक्ष कौन सा वृक्ष है, जिसको डायरेक्ट पेड़ से लेकर के लगाओगे तो बीज पेड़ नहीं होगा? बरगद पेड़।
आगे भैया के लिए ताली बजा भैया। आप देखोगे ये बरगद पीपल पेड़ के नीचे कभी भी आप बरगद पीपल का पेड़ नहीं देखोगे। कहाँ देखोगे? किस छत को पर देखोगे? किस पेड़ को पर देखोगे? बोले ऐसे क्यों? बोले कारण है वो वृक्ष का के नियम है, वो बीज को जब कोई चिड़िया खा ले उसका पेट में वो बीज जाए, उसकी पेट में ऐसी कुछ शक्ति है, वो शक्ति प्रदान करने पर जब वो बीट करता है फिर वो पेड़ होगा। इसलिए देखना, इसलिए आप देखना ये छत के ऊपर में एक पेड़ होने के लिए तीन चीज की जरूरत है। कितना चीज की बताओ? क्या क्या जरूरत है वो पेड़ की? बोलो, अरे बोलो क्या जरूरत है पेड़ लगाने के लिए? तीन चीज होगा तो पेड़ होगा। इसलिए मिट्टी हवा पानी ये तीन चीज होगा तो वृक्ष होगा, नहीं तो वृक्ष नहीं होगा। लेकिन देखना छत के ऊपर में वहां कौन सा मिट्टी वहां पर है? सीमेंट वहां पर है। हवा तो लगती, पानी कभी कभी मिल जाती। तो कभी आप देखना वहां पर भी वो पेड़ इतने जोर जबरदस्त होता है, देखना वो छत को फाड़ देता है। फाड़ देता है कि नहीं? फाड़ देता है। पीपल पेड़ देखना बरगद पर फाड़ देता है पेड़ को। बोले कैसे ऐसे हो गया है? देखो इसका उदाहरण देकर समझाते हैं। कहते ये जब किसी चिड़िया को पेट में वो बीज गया है, वो इतने शक्ति आ जाती है वो बीज में, बगैर पानी के बगैर मिट्टी के वहां भी वृक्ष हो जाती है। इसका मतलब है जब ये जो मंत्र हम गुरु जी से ये मंत्र क्यों लेते हैं? बोले कारण है जब गुरु जी से हम मंत्र लेते हैं जो शुद्ध परंपरा में आए, वैष्णव परंपरा की संत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कितना गुरु करे जान के पानी पियो छान के, इसे गुरु करनी चाहिए। जहां तक गुरु के प्याज खा रहे हो उल्टा पुल्टा चीज खा रहे हो बोले गुरु जी मंत्र दे दे, नहीं। जो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय होते हैं वो संप्रदाय में शुद्ध रूप में प्रभु का नाम देते हैं। ऐसे नहीं गए और तुमको दे दिया, नहीं। क्योंकि कोई दवा अगर लोगे तो उसका परहेज के साथ में दवा लोगे तो फिर दवा कहीं काम करेगी, नहीं तो दवा काम नहीं करेगी। इसलिए नियम है किसी वैष्णव संप्रदाय से ही मंत्र को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए पद्म पुराण का श्लोक है, देखो कहते अवैष्णव उपदेष्टन मंत्रण निरवम ब्रज। अगर कोई शुद्ध वैष्णव संप्रदाय नहीं है वहां से अगर कोई मंत्र लिया कहते ऊपर क्या जाओगे? नर्क जाओगे। तो ऊपर नहीं जाओगे उसको, तुम नीचे जाओगे। नियम है मंत्र शुद्ध वैष्णव परंपरा से ही मंत्र को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए जहां मिट्टी नहीं पानी नहीं वहां पर भी वृक्ष हो गया। मतलब जब ऐसे हम भक्तों से प्रभु का नाम ग्रहण करते हैं हमारे हृदय निरस होने पर भी, जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि पहले क्या थे? दशरथ ना करता, जो दशरथ डाकू डालता था। लेकिन जब नारद से भेंट हुए हैं, नारद से भेंट हुए, उनसे जब उन्होंने भगवान का नाम लिया उसको बोले राम बोलो, क्या बोलो? राम। बोलो राम। लेकिन उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला। क्या बोले? तो मरा मरा बोलो, हैं? मारा मारा बोलता था, मरा मरा। वो अगर उल्टा नाम जब करते करते क्या हो गया? राम नाम हो गया। और राम आने से पहले उन्होंने रामायण को उन्होंने लिख डाले। इसलिए कहते हैं जब किसी शुद्ध साधु से हम प्रभु का नाम ग्रहण करते हैं वो नाम इतने बलवान होता है, इतने शक्तिशाली होता है, हमारे हृदय में निरस होने पर भी हमारे हृदय को सरस में भर देते हैं, रस में, हमारे हृदय को रस में भर देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मंत्र लेनी कहाँ से? शुद्ध वैष्णव परंपरा से हमें भगवान की नाम को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए अभी दूध गर्म हो गया उसमें जमन दे दिया, जमन क्या हो गया? जमन क्या हो गया? दही। अभी दही जम गया मतलब गुरु जी से मंत्र ले लिया, गुरु जी हमें मंत्र दे दिया, अभी क्या करनी चाहिए? उसको मंथन करना। फिर क्या होगा? एक तरफ में मक्खन एक तरफ में छाछ निकलेगा। कहते मक्खन किया बोले प्रेम, बोले छाछ किया है, छाछ गंदी चीज निकल जाएगी और उसमें मक्खन निकलेगा। इसलिए मंथन करना मतलब क्या? जैसे गुरु जी से हमने माला लिए, गुरु जी से माला ले लिया, अगर बोले गुरु जी माला तो कर रहे हैं, माला तो काली पड़ेगा लेकिन अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, इसलिए मंथन मतलब है ऐसे नहीं गुरु जी से माला लेकर लेकर लटका कर रख दिया, माला ही नहीं किया है, बोले गुरु जी कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे इसको तो मंथन करना तुम्हारी काम है ना, गुरु से तो मंत्र ले लिया, अभी नाम जप करना तो तुम्हारी काम है ना।
नाम तो तुम जप करोगे, जैसे वाल्मीकि ने राम 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 उसका सरासरी दिमाग विचार किया, तभी तो राम का दर्शन मिला ना। इसलिए प्रभु के से तो गुरु जी से तो हरि नाम लिए, अभी क्या करना पड़ेगा, हरि नाम को तुमको ठीक ठीक से तुमको माला जपना करना पड़ेगा। जब माला जप करोगे बस, एक दिन ठाकुर का मक्खन मतलब नहीं प्रेम, अगर प्रेम होगा तो क्या होगा, कृष्ण जैसे आकर के वो मक्खन को खाते हैं, मतलब गोपियों की भावना प्रेम को कृष्ण स्वीकार करते हैं। एक दिन ठाकुर भी हमारे घर में आएंगे, अगर प्रभु का नाम जप करोगे तो एक दिन ठाकुर जी का हमें दर्शन मिलेगा। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय, जय श्री राम। एक भजन सुनो, ओ मेरी करुणामयी सरकार, करुणामयी सरकार मेरा रोग जोड़ी
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत तिलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदशवत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त भागवत कथा श्रोत मंडली माता पिताएं प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाएं हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं और किस प्रकार कृष्ण ने
घर घर जाकर माखन चोरी करना भी आरंभ किया है। मैया यशोदा अभी कृष्ण पर शासन भी करती हैं और हृदय में विचार कर रही हैं कि क्या मेरे घर में कुछ कमी है, क्या मेरे घर में माखन की कमी है, कृष्ण इतना नटखट होके और सब जगह माखन चोरी क्यों कर रहा है। इसलिए मैया ने सोचा कि मैं कृष्ण को अभी क्या करूंगी, घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। नंद गांव में नंद भवन के पास ही वहां पर ब्रह्मांड घाट है, तो कृष्ण वो नंद बाबा के भवन के अंतर्गत ही था। तो कृष्ण ने एक समय क्या किया, सखाओं के साथ में ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं मिट्टी से, कृष्ण भी वैसे ही सखाओं के साथ में मिट्टी से खेलना आरंभ किया है। अभी वहां पर सभी सखा मिलकर जैसे बच्चे मिट्टी से घर बनाते हैं, वैसे ही कृष्ण भी वहां पर घर बना रहे हैं। कृष्ण के साथ में दाम, श्रीदाम, मधुमंगल, स्तोभ कृष्ण सभी उनके सखा हैं। सभी ने बड़े ही सुंदर सुंदर घर बनाए हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ पर जब घर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं तो घर बना ही नहीं पा रहे। कृष्ण मिट्टी का घर नहीं बना पा रहे। कृष्ण कौन? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, लेकिन वो परतत्व तो भगवान होते हुए भी, जिनके विषय में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, यशेक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथ, कि ऐसे भगवान कितने सर्वश्रेष्ठ हैं कि उनके एक एक लोम कूप से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और जैसे वो श्वास लेते हैं उस समय पर वो वापस उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे भगवान की महिमा है जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अभी एक साधारण मिट्टी का घर भी नहीं बना पा रहे। ये है भगवान की सुंदर लीला। तो क्या यहाँ पर जब घर बनाते हुए उन्होंने देखा कि दाम, श्रीदाम, मधुमंगल इन्होंने तो बड़े सुंदर सुंदर घर बना लिए, उसको फूल से, मयूर पंख से सुंदर तरीके से सजा रखा है, लेकिन कृष्ण का यहाँ पर एक भी घर नहीं बना। तो कृष्ण ने क्या किया, क्रोधित होके उन सबके भी घर तोड़ दिए। कृष्ण ने सभी सखाओं के घर तोड़ दिए और उसके बाद में कहते कि तुम पहले मेरा घर बनाने में मेरी सहायता करो, तब जाकर मैं तुम्हारे घर टिकने दूंगा, नहीं तो मैं बार बार तोड़ता रहूंगा। अब यहाँ पर कृष्ण यहाँ पर क्रोधित हो रहे हैं, कृष्ण को क्रोध आ रहा है कि मेरा घर तो नहीं बन रहा और यहाँ पर सभी सखाओं ने बड़े अच्छे अच्छे घर बना लिए। तो कृष्ण ने क्या किया, वहां पर मिट्टी खाना आरंभ कर दिया है। जैसे कृष्ण को मिट्टी खाते देखा, वैसे ही सखाओं ने और बलराम जी ने जाकर मैया यशोदा को कंप्लेन कर दी है। बोले, माँ यशोदा, जानती हो आज तुम्हारा लाला अब तक तो माखन चोरी कर करके खाता था, लेकिन आज उसने मिट्टी खाना चालू कर दिया। ब्रह्मांड घाट पर जाकर तो देखो, वहां पर बैठ के मिट्टी खा रहा है। मैया यशोदा ने जैसे ये बात सुनी, वहां पर दौड़ी दौड़ी आई है। दौड़ी दौड़ी आके और जैसे कृष्ण को देखा, बोले, उसको शासन कर रही है। एक हाथ से कृष्ण की बांह पकड़ ली और कृष्ण को शासन करते हुए कहती, बोले, कान्हा, तूने मिट्टी खाई? तूने मिट्टी खाई? बोले, नहीं मैया, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तो फिर दाऊ भैया और तेरे सारे सखा ये कैसे झूठ बोल रहे हैं? बोले, हाँ मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बोले, तू अकेला एक हरिश्चंद्र है, तू ही सच बोल रहा है और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं? बोले, हाँ मैया, मैं तुझे क्या बताऊं, तू तो जानती नहीं ये सारे सखा क्या करते हैं, अपने घर से मालपुआ, कचौड़ी, जलेबी सब चोरी कर करके ले आते हैं और तुझे तो पता है मैं चोरी की कोई वस्तु खाता नहीं, तो इसलिए मैंने इनके दिया हुआ कोई माल खाया नहीं। तो इन्होंने सोचा कहीं मैं कंप्लेन ना कर दूं, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, मेरे से पहले ही तेरे पास आके और शिकायत कर दी, मेरे नाम पे झूठी झूठी शिकायत कर दी और तू भी इनकी बातों में आ जाती हो। तो मैया कहती है यहाँ पर कि सखा तो झूठ कह सकते हैं, लेकिन क्या दाऊ भैया भी झूठ कहेंगे? बोले, हाँ मैया, दाऊ भैया भी झूठ कह रहे हैं, यहाँ पर दाऊ भैया भी झूठ करते हैं। तो हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दाऊ भैया ने भी जाकर शिकायत करी। दाऊ भैया जो सब समय बलराम जी जो सब समय कृष्ण का पक्ष लेते हैं, आज उनके विपक्ष में कैसे हो गए? तब यहाँ तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कृष्ण अब तक क्या करते थे, जब जब भी माखन चोरी करी है, जब जब भी किसी गोपी के घर में चोरी करने गए हैं, दाऊ भैया और सभी सखाओं के साथ में गए हैं, जो भी कुछ मिलता था वो सब बांट के खाते थे। लेकिन आज कृष्ण ने क्या किया है, मिट्टी खा रहे हैं। मिट्टी का से पृथ्वी से ना, ये पृथ्वी का एक और नाम होता है रसा। तो सारे रस देखो इस पृथ्वी से ही आते हैं। आप जो भी पेड़ पौधे उगते हैं, आम हो, करेला हो, आंवला हो, सब अलग अलग टेस्ट है, लेकिन सब कहां से सृष्टि होती है, पृथ्वी से। इसलिए पृथ्वी का एक नाम बताया रसा। तो पृथ्वी में इतने सारे रस हैं और इस रस का आज कृष्ण अकेले पान कर रहे हैं। आज सखाओं के बलराव के बलराम के साथ में नहीं बांटा, कृष्ण अकेले पान कर रहे हैं। इसलिए मानो बलराम ने क्रोधित होके और माँ के पास में शिकायत कर दी। और एक कारण बतलाते हुए कहते हैं कि ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का एक नाम है रसातल।
ये पृथ्वी, इस पृथ्वी को बलराम जी अनंत शेष के रूप में अपने फणों पे धारण करते हैं। हमने सुना है कि इस प्रकार अनंत देव उनके अनंत फण हैं और उनके ऊपर ये पृथ्वी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उनके मस्तक पे एक सरसों के दाने के भांति विराजमान है। अब यहाँ पर बलदाव विचार कर रहे हैं कि जब कृष्ण ने वराह अवतार लिया था, वराह अवतार की कथा हमने सुनी थी ना, किस प्रकार कृष्ण ने जब वराह अवतार लिया था तब उस समय पर अपनी दोनों दांतों में पृथ्वी को उठाकर और धुरी पर स्थापन किया था और वही पृथ्वी तब गर्भवती हुई थी कृष्ण की, वराह भगवान की पटरानी बनी थी। बोले पृथ्वी पर अधिकार तो मेरा है, आधिपत्य तो मेरा है, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, वराह अवतार में उस पर उसको ग्रहण किया। बाद में कृष्ण जब आए, जब कृष्ण ने उसके बाद में क्या किया, कृष्ण ने जब अवतार लिया श्री, तो कृष्ण इस प्रकार क्या कर रहे हैं, पटरानी है सत्यभामा, कृष्ण यहाँ पर जब आगे जाकर विवाह करेंगे तब सत्यभामा होगी, तो कृष्ण उस समय पर भी उससे विवाह करेंगे। तो मानो यहाँ पर बलदाव जी क्रोधित हो गए हैं कि क्या कृष्ण मेरी पटरानी को अर्थात पृथ्वी को मुझसे अनुमति लिए बिना उसका आस्वादन कर रहे हैं, तो इसलिए बलदाव ने भी उनका पक्ष नहीं लिया। अभी यहाँ पर जैसे ही मैया वहां पर आती है और कृष्ण के ऊपर शासन करती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कृष्ण ने झूठ बोल दिया, बोले नाहम भक्षित वानम व सर्वे मिथ्या विसंशिणा यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम, कि मैया मैंने मट्टी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई, नाहम भक्षित वानम व, मैंने मिट्टी नहीं खाई, और यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो क्या करो, परीक्षा कर लो, यहाँ पर परीक्षा कर लो। तो यहाँ पर मैया ने कहती है कि मैं निश्चय परीक्षा करूंगी। मैया का कहेंगे अभी कृष्ण का मुख खोल के देखेंगे। अभी यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कृष्ण कौन है, सत्यम व्रतम परम त्रिसत्य, कृष्ण कौन है, सत्य स्वरूप है, सत्य संकल्प है, तो कृष्ण ने यहाँ पर झूठ क्यों बोला, कृष्ण ने तो मिट्टी खाई है तो कृष्ण ने यहाँ पर झूठ क्यों बोला। तब इसके विचार में कहते हैं, देखो ये संस्कृत श्लोक जो कृष्ण ने कहा, नाहम भक्षित वानम भो, अर्थात नाहम मैंने नहीं खाया, ना अहम, यदि इसका संधि विच्छेद ना करो तब तो हो जाएगा नाहम, नाहम का अर्थ हो गया पृथ्वी, अर्थात मैंने पृथ्वी को खाया है, मैंने पृथ्वी सारी पृथ्वी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, मानो कृष्ण यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मैया तो मिट्टी की क्या बात करती हो, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर ही है, और जो चीज कोई बाहर हो, कोई चीज वस्तु बाहर हो तो उसको यदि खाए तो उसे खाना कहते हैं, यदि सब कुछ कृष्ण के अंदर ही है तो भला वो खाना कैसा हुआ, है ना। तो कृष्ण यहाँ पर, कृष्ण ने झूठ नहीं बोला, लेकिन क्या है, मैया यहाँ पर कृष्ण को शासन करेगी, और कृष्ण का जैसे ही उन्होंने मुख खोल के और देखने की कोशिश करी, अभी भगवान विचार कर रहे हैं कि यदि मैया ने मेरे मुख में मिट्टी देख ली तो क्या करेगी, डंडे एक सारे के सारे पीठ पे पड़ेंगे। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, मुंह खोलना नहीं चाह रहे, कृष्ण अपने मुंह को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और जैसे चोर करता है ना, कभी आंखें बंद कर रहा है, कभी मुंह अंदर ही अंदर मुंह चला रहे हैं, और कैसे न कैसे मिट्टी निगलने की कोशिश कर रहे हैं, मिट्टी निगल के, और उसके बाद में जब कृष्ण ने मुंह खोला है तो मुख खोलते ही मैया ने क्या देखा, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के छोटे से मुखारविंद के अंदर, कितने ही बड़े बड़े विशाल पर्वत, कितने ही ग्रह नक्षत्र, सारे के सारे कृष्ण के छोटे से मुख के अंदर, और स्वयं को भी, स्वयं किस प्रकार ब्रह्मांड गांठ पर कृष्ण पर शासन कर रही है वो भी उस कृष्ण के मुख के अंदर देख लिया। ये देखने मात्र से ही तो मैया आश्चर्यचकित हो गई और भयभीत हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे लाला के ऊपर कोई भूत चढ़ गया हो, या कहीं ऐसा तो नहीं मेरे लाला भगवान हो, क्यों, क्योंकि ये विश्व ब्रह्मांड तो भगवान के मुख में रहता है, ये विश्व ब्रह्मांड तो भगवान के गर्भ से होता है। तो मैया ये आश्चर्यजनक घटना देखकर और बड़ी ही विस्मित हो गई और मन ही मन विचार कर रही कि कहीं ऐसा ना हो मेरा लाला भगवान हो। अभी जैसे ही कृष्ण ने ये सोचा कि मैया सोच रही है मैं भगवान हूँ, यदि मैया ने ये समझ लिया कि मैं भगवान हूँ तो क्या करेगी, मेरे लिए भी एक मंदिर बनवा देगी, जैसे नारायण को दो समय भोग लगाती है मेरे को भी वैसे दो समय भोग लगा के पट बंद करके गोविंद जय जय गोपाल जय जय। लेकिन कृष्ण अभी यहाँ पर जो सखाओं के साथ में सब घर घर जाकर मक्खन चोरी करते हैं, सखाओं के साथ में खेला धूला करते हैं, तो ये सब सुंदर सुंदर लीला ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण ने विचार किया कि मैया को बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, तो इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, तुरंत वो सारा दृश्य हटा दिया और फिर वापस मैया का दिख रही वही छोटा सा मुंह, वही कृष्ण, और उस कृष्ण के मुख के अंदर मिट्टी भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी लीला करके भगवान ने मैया को भी विस्मित कर दिया, विस्मित करके मैया यहाँ विचार कर रही होना हो कृष्ण को जरूर नजर लग गई होगी।
अभी मैया ने वहां पर क्या किया, कृष्ण को गौमूत्र से स्नान करवाया, गोबर से स्नान करवाया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाया और उसके बाद में कृष्ण को सुंदर सुंदर माखन खिला के और पल्ले में सुला दिया। यहाँ पर देखो एक विचार करने की चीज है कि ब्रजवासियों के सामने जब कृष्ण का विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा था, गीता के अंदर हमने श्रवण किया ना कि इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर भगवान ने अपना विराट स्वरूप जब अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन का क्या हुआ, कैसी अवस्था हुई, कार्पण्य दोषो उपवृत्त स्वभावो पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता। तो कृष्ण की कैसी अवस्था हो गई कि उन्होंने अर्जुन को जब विराट स्वरूप दिखाया तो वहां पर अर्जुन हाथ छोड़ के और खड़े हो गए, लेकिन उसी के विपरीत जब माँ यशोदा ने कृष्ण का ये विराट स्वरूप देखा, जब पूरा विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के मुख के अंदर देखा, तब पर भी वे विस्मित नहीं हुई। ये बता रहे हैं ब्रज के प्रेम का कैसा माधुर्य है, ब्रज के अंदर कितना सुंदर माधुर्य है कि ऐश्वर्य दिखने पर भी वृंदावन बिहारी लाल की। तो कृष्ण का इतना ऐश्वर्य देखने पर भी वृंदावन के जो मथुरा के लोग हैं, जो कृष्ण के बाबा माँ सखा इत्यादि इत्यादि, वो सब कृष्ण का ऐश्वर्य देखने पर भी बिल्कुल विस्मित नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पर जो द्वारका के परिकर हैं, जो अर्जुन हुए, वो सभी कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर और विस्मित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रज में सब समय माधुर्य विराजमान है, ब्रज में सब समय माधुर्य है। उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जैसे कोई एक बड़ा सा पात्र हो जिसके अंदर दूध उफन रहा हो और दूध बॉईल होते होते उसके अंदर एक तिनका मान लो गिर गया हो, वो तिनका कब दिखेगा, बहुत ही उबलते 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 मान लो बीच में कहीं वो तिनका नजर आ जाएगा, फिर वापस वो घने से दूध के अंदर गिर जाएगा। ऐसे ही उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि कृष्ण का ऐश्वर्य जो ब्रज में प्रकाशित होता है, कृष्ण यद्यपि भगवान है, कृष्ण ने यहाँ पर विश्व ब्रह्मांड दिखाया, जब स्तनपान कर रहे थे तब भी माँ को मुख के अंदर विश्व ब्रह्मांड दिखाया, यहाँ पर भी फिर वापस ब्रह्मांड घाट पर विश्व ब्रह्मांड दिखाया, इतना देखने पर भी ब्रजवासी कभी भी कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो शिथिल नहीं होता, वो प्रेम कभी कम नहीं होता, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यही ब्रजवासियों के माधुर्य है। कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ में, कृष्ण यद्यपि भगवान है लेकिन जब सखाओं के साथ में खेलते हैं तो क्या करते हैं, कृष्ण उनके साथ में मल्ल युद्ध करते हैं और कृष्ण को श्रीदाम पछाड़ देता है और पछाड़ देने पर कृष्ण क्या करते हैं, स्वयं घोड़े बनते हैं, घोड़े बन के श्रीदाम को पीठ के ऊपर ढोते हैं। ये कृष्ण का माधुर्य है ब्रज में, ये कृष्ण का माधुर्य है ब्रज में। आप बताओ कभी भगवान किसी के लिए घोड़े बने हैं, अर्जुन के साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हैं भगवान, अपनी पटानियों के साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक आज ब्रज में अपने सखाओं के, अपनी माँ के, अपनी गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए ये ही भगवान का सार स्वरूप है, माधुर्य ही श्रेष्ठ है ऐश्वर्य से। यद्यपि लोग भगवान, भगवत्ता की पहचान किससे होती है, ऐश्वर्य से, लेकिन बता रहे हैं ऐश्वर्य का सार क्या है, माधुर्य। इसलिए भगवत्ता का सार क्या है, माधुर्य। तो कृष्ण की ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हम गुरुदेव के मुखारविंद से और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। बारिश की वजह से लाइट चली गई, आवाज आ रही है पीछे तक, आ रहे हैं पीछे तक। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, बोले गिरिराज महाराज की जय, बोले से राधा रानी की जय। हाँ उधर उधर से खोल दो, उस तरफ से क्या खोल दो, दरवाजा खोल दो, उस तरफ हवा आई, सारे दर खिड़की को खोल दो। हरे कृष्ण। ओ राम लक्ष्मण सीता बने कि नहीं, जब बन जाए ना मेरे को इंगित इशारा कर देना, वो लोग आ गए। ठीक है, देखो आज एकादशी है, क्या आज है एकादशी, कभी श्रीमद् भागवत में और कोई बार व्रत का नाम नहीं, केवल एकादशी कथा भागवत में आती है, क्योंकि जितने सारे ग्रंथ व्यास देव ने लिखे और दूसरे दूसरे ग्रंथ उन्होंने लिख करके उनको शांति नहीं मिली, लेकिन शांति कब मिला, जब उन्होंने भागवत ग्रंथ लिखे, और भागवत में ही एकादशी कथा भागवत में आती है। आपको एकादशी की एक छोटी सी कथा सुनाता।
हमारे भारत में छोड़ दो ये आवाज सही, इसलिए भारत में एक राजा थे जिनका नाम था रुक्मांगद महाराज। क्या नाम था? ये राजा बड़े धार्मिक होते थे, पहले पहले अभी के जैसे राजा नहीं है, पहले राजा सब जैसे दुधिष्ठिर महाराज हुए, ध्रुव महाराज हुए, प्रहलाद, देखो सब भक्त होते थे, सब पहले राजा भक्ति करते थे, नास्ती कोई राजा नहीं होते थे, पहले राजा स्वयं भक्ति करते थे और अपना प्रजा को भी प्रभु का भजन करवाया करते थे। रुक्मांगद महाराज स्वयं एकादशी व्रत रखते थे और उनको देश में उनका कंपलसरी था, मेरे देश में सबको एकादशी व्रत रखना पड़ेगा और मेरे देश में जो एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसको मैं देश से निकाल दूंगा, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा, इतने कठोर थे राजा। अभी एकादशी मतलब क्या है? ग्यारस। क्या है? ग्यारस से कहते ना हमारी ग्यारह इंद्रिया है, कहते पांच कर्मेंद्रिया जिसमें कर्म करते हैं और पांच ज्ञान इंद्रिया जिससे ज्ञान को आहरण करते हैं और इसका जो मन है ये मूल है। ग्यारस का मतलब होता है आज का दिन हम लोगों को, जैसे आप लोगों ने कोई अन्न नहीं खाए ना, आज एकादशी कौन कौन किया हो? धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद सब, आप लोगों के लिए ताली हो जाओ सब। देखो मैंने ये बात पहला बार देखा है, मैं तो कथा करने के लिए सारा दुनिया जाता हूँ, सारा भल सारे साल मेरी कथा बुकिंग रहती है, लेकिन केवल एक जगह देखा है कि राजस्थान में मैंने एकादशी कथा सुनाया है आपको, परिवार वाले सबके सब एकादशी व्रत रखे हो, यहीं पर मैं आपको लोग देखा हूँ। जब मैंने कथा सुना दिया तो यहाँ रोटी यहाँ पर कोई बनाया नहीं, और सबके सब एकादशी सबके सब रखे हो मैं यहीं पर देखा है, और दूसरे जगह पर रखते थे लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति नहीं रखते हैं, लेकिन सबके सब आप लोगों ने रखे हो, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद है आप लोगों ने एकादशी व्रत रखे हो। इसलिए कहते अभी राजा जी उनका नियम है, इसलिए 11 इंद्रियों को द्वारा आज ठाकुर को सेवा करनी चाहिए। कहते ये आंखों की सार्थकता कब है? कि जब भगवान का दर्शन करें, अगर इन्हीं आंखों से अगर प्रभु का दर्शन नहीं करे, सुतो गोस्वामी कहते ये आंख नहीं ये पांख है, मरु पंख में भी बड़े सुंदर सुंदर आंख है, वो आंख का क्या लाभ है? कहते ये कानों ने भगवान क्यों दिया है? बोले भगवान की कथा सुनने के लिए, अगर इन्हीं कानों से हम भगवान की कथा नहीं सुने, दिन भर कान में क्या तार लगा करके उल्टा पुल्टा फिल्म का गंदी गंदी सब है, सब डिस्को डांस उल्टा पुल्टा, कहते ये कान नहीं, सुतो गोस्वामी कहते ये दो बील है, जो दो बील में ये काल रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं। कहते ये जिह्वा की सार्थकता किसमें? जब भगवान की हम नाम जप करें। क्या करें? हाँ, कहते अगर प्रभु का नाम नहीं जप करके अगर दुनिया की कोई बात करते हैं, कि जैसे बैठकर टट्टर 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 दिन भर करता है और सर्प आकर के निगल लेता है, अगर हम प्रभु की कथा छोड़ करके दूसरी बात अगर करेंगे तो कहते अगले जीवन में तुमके मेढक बनना पड़ेगा। ये भागवत कहता है भगवान ये इंसान जीवन तुम्हें दो बार नहीं देंगे। क्यों? मेढक जैसे दिन भर संसार की बात को टट्टर दिन भर बोलते रहा, ये भागवत कह रहा है। इसलिए कहते ये हाथों की सार्थकता किसे? कहते ठाकुर की जब सेवा करें। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं सब करो कुरुत सपर ज्या हरे लसत कांचन कंकणोंगा, मतलब है यहाँ तक तुमने सोने की कंगन पहन रखे, लेकिन इसमें दुनिया की तो सेवा करती हो लेकिन इन्हीं हाथों तुम ठाकुर को सेवा नहीं करते हो। कहते ये जो हाथ है बोले सबव करो, सब मतलब मरा हुआ हाथ तुम्हारी, इन्हीं हाथों से पूर्वज भी तुम्हारी पिंड ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? इन्हीं हाथों से तुम ठाकुर को सेवा नहीं करते हो, दुनिया की तो सेवा कर लेकिन ठाकुर को सेवा नहीं करती। कहते प्यार का सार्थकता कैसे? जब भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाए, तुलसी घर में रोज क्या करना, घर में तुलसी की रोज परिक्रमा लगाना है। कहते नहीं तो ध्रुम जन्म भाजो, ये भागवत कहता है ध्रुम, ध्रुम मतलब वृक्ष। कहते सब वृक्ष क्यों हुए हैं? बोले भगवान ने इनको तो इंसान जीवन दिया है लेकिन सारा दुनिया तो घूमे, लेकिन भगवान का धाम में नहीं गई, तुलसी परिक्रमा नहीं गई और सारा दुनिया घूमते रहे। तब भगवान कहते भैया तुम इंसान जीवन पाने का लायक नहीं, पेड़ जन्म दे देते हैं। बोले एक जगह पर खड़े रहो वहीं पर, तो कहीं जाने का जरूरत नहीं। क्यों? तुमने इसी प्यार से ठाकुर की मंदिर की तुलसी की तुमने परिक्रमा नहीं लगाई। इसलिए एकादशी मतलब होता है ग्यारस है, हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, ये ग्यारह इंद्रियों से ठाकुर को सेवा करनी चाहिए एकादशी का दिन है। इसलिए आज का जो एकादशी है, कहते एकादशी का दिन अगर एक माला कोई करता है 100 माला करने का उसको फल मिलता है। कितने माला? 100 माला करने की। क्यों?
जो एकादशी व्रत है इसको बताया माधव दिन। माधव मतलब भगवान कृष्ण है। जैसे कोई सोमवार करते हैं, किसके लिए करते हैं सोमवार? सूर्य देवता के लिए। मंगलवार हनुमान के लिए, बुधवार गणेश जी के लिए, बृहस्पतिवार लक्ष्मी के लिए, अलग कार्य करते हैं। लेकिन जो एकादशी व्रत किसके लिए है? कृष्ण के लिए, राम के लिए, नारायण के लिए। जगत में भैया 33 करोड़ देवता, कितने खुश कर हुए? एक को खुश करो दूसरे पैर मुंह फुला करके बैठ जाएंगे, इसलिए। लेकिन कृष्ण ऐसे के देवता, एकादशी ऐसे के व्रत है। अगर कृष्ण ने एकादशी व्रत कर लिया तुम्हें कोई भी बार व्रत करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब भगवान कृपा हो गया, जिसको ऊपर में कहते ना, जहां पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई, उसको पर सब देवादेवी कृपा कर देते हैं। अगर हरि की कृपा नहीं होगा ना, देखना कभी शुक्र लग जाएगा, कभी शनि पीछे लग जाएगा, कभी इंद्र लग जाएगा, कभी दूसरे दूसरे ग्रह लग जाएंगे। क्यों? तुम ठाकुर का शरणापन्न नहीं हो। लेकिन जब इनको पता चलेगा ये कृष्ण के शरणापन्न है, मथुराधीश की, सारे देवता कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे। बोले भैया ये प्राइम मिनिस्टर का शरण में पीछे लगोगे ना अपना नौकरी जाएगी, इसलिए कोई डर के मारे तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ेगा, एकादशी जो व्रत रख लेते हैं है? इसलिए रुक्मांगद महाराज का नियम था, मेरे देश में कंपलसरी करना पड़ेगा, नहीं तो देश से निकाल दूंगा, नहीं तो उसको सूली पर चढ़ा दूंगा। अभी पूरा देश सबके सब क्या करते हैं घर में, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद अभी घर घर में प्रभु का कीर्तन है। अभी जिस घर में ठाकुर का कीर्तन हो ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल आय, वो घर में कभी अमंगल नहीं घुसता है जिस घर में ठाकुर का कीर्तन हो। कि जो पाप था ना, अभी जिस घर में जाए हर घर में ठाकुर को पूजा सेवा कीर्तन, अभी ये पाप को तो कहीं भी स्थान नहीं मिला। ये पाप घूम घाम करके फिर ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले प्रभु जी मेरे को खत्म कर दो। बोले क्यों? बोले मेरे को क्यों सृष्टि किया? बोले क्या हो गया? बोले देश में ऐसे के राजा आ गया रुक्मांगद महाराज, एकादशी खुद करते हैं, सबको करवाते हैं, हैं? अब जिस घर में एकादशी व्रत हो ना, प्रभु का कीर्तन हो, वो पाप घर में घुस नहीं सकते, इसलिए मेरा तो कोई प्रवेश नहीं। इससे तो अच्छा मेरे को मार दो, जान से मेरे को खत्म ही कर दो, मैं मर ही जाऊं, नहीं तो मेरे को कोई स्थान दो। ब्रह्मा जी बोले कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लिए चिंता करता हूँ। तो उन्होंने एक मोहिनी नाम का एक लड़की को उन्होंने जन्म दिया। क्या नाम है? सचमुच से वो इतनी सुंदर थी, इसी जगत में धरा जगत में इतनी लड़की सुंदर कभी होती नहीं। बोले पिताजी मेरा क्या काम है? बोले देख बेटी, वो जो रुक्मांगद महाराज वो जंगल में रोज घूमने जाते हैं, उनको तो मुग्ध करो और उनकी पटरानी बनकर घर में जाओ और जाकर के एकादशी व्रत को किस तरह से नष्ट करो। बोले ठीक है। तब राजा जब गए तो उनको बड़ी प्यास लगा, एक ऋषि की आश्रम पर पहुंचे, ऋषि इनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाए। देखो एकादशी कितना महिमा। ऋषि ने कहा, वामदेव नाम के ऋषि बोले महाराज आपको पता है पूर्व जन्म में आप कौन थे? बोले नहीं। बोले आपकी पूर्व कथा सुनो। पूर्व जन्म में आप एक शूद्र थे, आपकी जो पत्नी एक वेश्या शूद्राणी थी, लेकिन देखने में बड़ी सुंदरी थी। जब वो चलती है तब आप चलते हो, जब वो खाती है तब आप खाते हो, जो वो बैठती है आप बैठते हो, उसका प्रेम में एकदम लूटे, एकदम तुम पागल था। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन आया, लेकिन तुम दोनों को पता नहीं था आज एकादशी व्रत है। लेकिन वो एकादशी का दिन वो जो वेश्या थी उनको बड़े तेज बुखार आई तो अभी भोजन नहीं की, लेकिन उनको पता नहीं था आज एकादशी है। वो तो उसको प्रेम करता था, अभी जब उसने भोजन नहीं किया तुमने भी दुखी होकर भोजन नहीं किया, लेकिन वो बुखार नीचे नहीं उतरा, बढ़ते गया, छटपट छटपट दिन भर करती रही, अब तुम भी दुखी होकर भोजन नहीं किया। क्या हुआ? दिन भर बुखार, रात भर बुखार चढ़ी, और लास्ट में क्या हो गया, दूसरे दिन उसने शरीर छोड़ दिया। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने भी दुखी होकर शरीर छोड़ी, लेकिन तुम दोनों का अनजान में एकादशी हो गया, दोनों का अनजान में एकादशी हो गया। देखो एक एकादशी कितना फर्क है, कहते अनजान में भी एकादशी हो गया तो, और तुम बन गया देश का राजा, और तुम्हारी जो पत्नी है ना,
तो तुम्हारी जो पत्नी है वही पत्नी वो जो वैश्या सुदरानी थी अभी वही तुम्हारी नानी बन करके आई। देखो अनजान में जैसे कोई जहर है लेकिन आपको पता नहीं है कोई जहर है, अगर उसको खाओगे तो उसका फल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। जैसे छोटा बच्चा उसको पता नहीं आग क्या होता है, अगर वो बच्चा आग में हाथ लगा धरेगा जल जाएगी कि नहीं? जल जाएगी कि नहीं? वो जल जाएगी। इसलिए इसको कहते वस्तु शक्ति, इसको कहते वस्तु शक्ति। जब उसको पता चला हमने पहले जन्म में एक निर्जला व्रत रखे थे इतना महिमा, जब उन्हें थोड़ी देर आगे गए ना मोहिनी को देखे सचमुच से इतनी सुंदरी होती। राजा ने पूछा भैया तेरा नाम क्या है? बोले मेरे नाम मोहिनी। बोले सचमुच से तो मनमोहिनी हो है? लेकिन तुम तो देखने से पता चलता है तू कुंवारी हो, शादी नहीं हो। बोले आप सही बताए। बोले लगता है तू पति ढूंढ रही हो। बोले हाँ मैं जैसे सुंदरी ऐसे एक सुंदर किसी पुरुष को मैं ढूंढ रहा। बोले मोहिनी ये देश का मैं राजा हूँ, तुम मेरे से शादी करोगी? लेकिन वो किसी लिए आई? एकादशी को नष्ट करने के लिए। बोले मैं शादी तो करूंगी लेकिन एक शर्त। बोले बोलो क्या शर्त है? बोले जब मैं जो कुछ बोलूंगी आपको उसको करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं तो मैं धर्म पत्नी बनूंगी, धर्म में तो मदद करूंगी ना। बोले कोई बात नहीं मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मेरे से शादी करूंगी। अभी शादी करके घर में आए लेकिन पहले पहले राजा एक नहीं बहुत शादी करते थे, बहुत शादी करते थे। और जो जितना शादी करता था ना उसको जगत पे उतना नाम होता था। आप लोग ने शादी किए हो? कौन कौन ने शादी की? सबके साथ शादी की। लेकिन ये हमारे जो भाई लोग को पता होगा एक पत्नी को संभालना कितना कठिन है। आप लोगों को पता है ना एक पत्नी को संभालना कितने? एक समय कोई एक बेटी की शादी हो रही थी। अब देखना बेटी जब जाती है ससुर घर बहुत रोती है, वो बेचारी बहुत रो रही है, इतने रो रही थी। समझा रहे थे कोई चिंता मत करो बीच बीच में आ जाना हम भी घर में चले जाएंगे और रोना नहीं। लेकिन उसको रोना ही बंद नहीं हो है? उसको रोना ही बंद नहीं हो। पति ने बोला क्यों रो रहे हो? चुप हो जा। रोती जा रही है। उसने बोली क्या? बोली जानते हो जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरे रोना आरम्भ हो जाएगा। अभी पहला दिन रोया अभी तू जिंदगी भर रोया कर। इसलिए अभी पहले राजा जो जितने शादी करता था उसको उतना नाम होता था। बोले इतने सारी पत्नियों को पागल कर रहे हैं। इसलिए राजा पहले भी शादी किया था है, उसको एक बेटा था जिनका नाम था धर्मांगद। सचमुच से वो धर्म का स्वरूप था। जब पिताजी शादी करके लाए फिर पत्नी बच्चे उनको स्वागत किया घर में रखे, जब घर में रखे लेकिन वो महीने क्यों आई? एकादशी व्रत को नष्ट करने के लिए आए। उसने छुपा करके जितने पंडित लोग थे उनको बुलाया। राजा तो ग्रंथ पढ़ते नहीं, पंडितों से पूछते हैं, पंडितों को बुलाया। बोले एक काम कर लोगे? बोले बोलो। बोले अगर इसमें सक्सेसफुल हो गए ना रत्न से तुम्हारी झोली को भर देंगे हैं। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले अगर राजा पूछता है किसको किसको एकादशी व्रत करना, शास्त्र बात नहीं बोलना, शास्त्र बात को छुपा देना और मन गणत बात बोल देना, अरे कोई जरूरत नहीं सबको एकादशी व्रत करने की, जो विधवा हो गई बूढ़ा बूढ़ी हो गए कर ले तो कर ले, नहीं तो कोई बात ऐसे बोल देना। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं इसको नहीं बोलना, झोली से रत्न से भर दो। अभी तो ब्राह्मण लोग आगे लोग बोले कोई चिंता मत करो। अभी उनका देश में एक नियम था, जैसे कल एकादशी आज दशमी, एक दिन पहले एक हाथी को पीठ के ऊपर बैठ करके कुछ लोग ढिंडरा को पीटते हुए पूरा राज्य में प्रचार करते थे। बोले सावधान कल एकादशी व्रत है, राजा का निर्देश है सबको एकादशी व्रत रखना पड़ेगा। अगर राजा का राज्य में कोई एकादशी व्रत नहीं करेगा उसको देश से निकला दिया जाएगा, नहीं तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। इतने में रानी राजा बैठे हुए थे, रानी पूछा महाराज जी क्या निद्रा क्यों पिट रहे हैं? बोले महारानी मेरे देश में सबको एकादशी व्रत करना पड़ता है और तुम्हें भी एकादशी व्रत रखना पड़ेगा नहीं तो देश से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो तो एकादशी को नष्ट करने आए थे। बोले ये एकादशी एकादशी क्या होता है, ये सब कुछ संस्कार कहाँ से ले आए, कहीं शास्त्र में कहीं है ना? मन गणत बना दिया। बोले शास्त्र में? बोले दिखाओ कौन सा शास्त्र में। तो उन्होंने पंडित को बुलाया, भैया भागवत पुराण वेद लेकर क्या हो, कहाँ कहाँ पर एकादशी के बारे में क्या बता हुआ उसको बताओ।
लेकिन राजा को तो पता नहीं, ये रानी पहले पट्टी बढ़ा करके रखी सबको। ये ब्राह्मण लोग आकर ना झूठ मूठ का बात बोलना शुरू कर दिया, बोले महाराज कोई जरूरत नहीं सभी को एकादशी व्रत करने का, जो विधवा हो गई ना, ये जो बूढ़े हो गए अगर इच्छा हो तो कर ले, तो कोई जरूरत नहीं जवानों को एकादशी व्रत करने का। राजा बोले ये तुम तो नया बात पता नहीं जिंदगी में, पहले तुम लोग बोलते थे भागवत में अम्बरीश महाराज एकादशी का था, ये भागवत में आता है, देखो एकादशी की कितने महिमा, ये अम्बरीश महाराज संपूर्ण पृथ्वी को राजयुक्त करते थे, एकादशी व्रत रखते थे। जब दूसरे दिन उन्होंने व्रत बोलने के लिए गए, देखो व्रत बोलना मतलब है जैसे आज एकादशी व्रत रखा, दूसरे दिन एक निर्दिष्ट समय होता है, 9 नहीं तो 9:30 बजे अंदर में जो चीज एकादशी के दिन नहीं खाते हो जैसे अन्न रोटी उसको ले लेने से तुम्हारी व्रत खुल जाती है, फिर व्रत का पूरी फल मिलता है। अगर किसी साधु संतों को दक्षिणा देकर पालना करोगे तो उसका विशेष फल मिलता है। ठीक दूसरे दिन आ गए दुर्वासा ऋषि, जब दुर्वासा ऋषि खुश हो गए, बोले अच्छी बात है संतों को खिला करके खाऊंगा भोजन करके, बोले स्नान करने के लिए गए वो जान बुझ कर लेट हो गया और इन्होंने व्रत को खोलने के लिए चरणामृत से खोल दिया। दुर्वासा जी को पता चलते ही इतने क्रोध आया, सर से एक हैं बाल को पटक दिया तो राक्षस से प्रकट हो गया, बोले इसको मार डालो अम्बरीश महाराज को, ये गृहस्थ होकर के बोले तो अपमान किया निमंत्रण देकर के। इतने में उन्होंने जब किया, इतने में जो भगवान की एकादशी व्रत रखते हैं देखो उसको कौन रक्षा करता है, सुदर्शन चक्र, साक्षात सुदर्शन चक्र उसको रक्षा करते हैं भगवान की। चक्र चक्र झट प्रकट हो गया, प्रकट होकर जो राक्षस था उसको खत्म कर दिया, और ये जो दुर्वासा कौन है शंकर जी के अवतार है उनको भगाते हुए ले गए मारने के लिए। बोले मेरे भक्तों को पर अत्याचार जो एकादशी व्रत रखते हैं, एकादशी व्रत रखने वालों को मैं स्वयं रक्षा करता हूँ, तुमने कैसे मारने के लिए प्रचेष्टा की, उनको खदड़ते हुए ब्रह्मलोक तक गए ब्रह्मा ने रक्षा किया, शंकर जी को पास में गए शंकर ने रक्षा, उन्होंने साक्षात विष्णु वैकुंठ तक गए भगवान भी नहीं रक्षा किया। बोले भैया पैर में कांटा चुभेगा तो सर में नहीं पैर में निकलेगा, वहीं पर जाकर माफी मांगो, फिर उनको वहां माफी मांगना पड़ा। इसलिए जो एकादशी व्रत रखते हैं ना ठाकुर का सुदर्शन चक्र सुरक्षा करते हर समय, उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इतने महिमा एकादशी की। इसलिए बोले तुम बोलते थे अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे पति पत्नी को साथ में, फिर कल आप लोग सुन रहे थे ना कृष्ण नंद बाबा का बेटा नहीं था, बहुत उन्होंने बाहर व्रत किया लेकिन उनको बेटा हुआ ही नहीं, लेकिन जब पुत्र था एकादशी किया घर में कृष्ण जन्म हो सकता। कल बता रहे थे ना एक एकादशी का नाम अर्ण था, मतलब जिसको करने से घर में अर्ण आती है, एक का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, वो एकादशी करके तो घर में लक्ष्मी आती है, एक का नाम पापमोचनी जिसको करने से जीवन का समस्त पाप हमारी खत्म हो जाएगी हैं, एक एकादशी का नाम मोक्षदा जिसको करने से मुक्ति मिलेगी, हर एकादशी का सब अलग अलग नाम है। इतने में तुम तो पहले रुक्मिणी सत्यभामा करते थे, पहले आप लोग सुना होगा सबसे जो बड़ी एकादशी पांडवा मृजला, पांडवा मृजला जो पांडव और द्रौपदी करती थी, एक विधवा थी है, इसलिए सबके सब एकादशी व्रत रखते थे। आज तो तुम नई बात बता रहे हो हैं, तब उन्होंने बोले देखो शादी से पहले क्या तय किया था, जो कुछ मैं बोलूंगी सुनना पड़ेगा, मैं कहती हूँ एकादशी व्रत मत करो, आप लोग एकादशी व्रत करो, इसलिए फिर तुम्हें घर से जा रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, बोले जाना तो चले जा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे देश में एकादशी व्रत रहेगा। लेकिन उसका जो बेटा था ना वो बहुत धर्म स्वरूप था, उसने बेटा ने छोटे मैया के चरणों में गिर पड़ी, बोले माँ मत जाए एकादशी व्रत हम छोड़ नहीं सकते, अब एकादशी का विनिमय में आप जो कुछ मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एकादशी व्रत को हम छोड़ नहीं सकते। बोले बताओ क्या चाहते हो, बोले दे सकते हो, बोले हाँ, बोले अगर तुम्हारी पिता माता हंसते हंसते तुम्हारे सर को काट करके मेरे को दे दे तब तो मैं रहूं। राजा बोले एक बेटा जो भविष्य में राज सिंहासन को संभालने वाले, पिता माता कभी हंसते हंसते बेटे का सर काट सकते हैं कभी, बोले तो पिशाच ना कोई माँ हो चले जाओ कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो बेटा धर्मागत था धर्म स्वरूप था, बोले पिताजी ये शरीर आपसे ही मेरे को मिला है, मेरा कर्तव्य पिता माता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, अगर पिता माता की सेवा के लिए अगर शरीर दे दे और एकादशी व्रत के लिए शरीर दे दे इससे पुण्य जगत में कुछ हो सकता है, कोई चिंता मत करो मेरे सर को काट करके दे दे।
जब सर को काटने के लिए दिया ना, वैकुंठ से साक्षात भगवान आ गए, बोले श्री लक्ष्मी नारायण की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, वैकुंठ से जय हो रामचंद्र की जय। घर में बैठ जाओ, थोड़ी समय तो बैठ जाओ, फिर मैं तुमको बुलाऊंगा, कहां से बुलाऊंगा, बैठ जाओ। देखो बोल रहा था ना, भगवान आ गए, भगवान आ गए, ठाकुर जी आपने बोलता है बोलो, और क्या ठाकुर जी वैकुंठ से ठाकुर जी आ गए। बोले रुको रुको, मारना नहीं काटना नहीं, रुक जाओ। इतने में रोक दिया, और वहां पर जब रोक दिए, देखो भगवान क्या कहते हैं, देखो एकादशी की महिमा सुन लो ध्यान से। भगवान स्वयं कहां से आ गए, वैकुंठ से आ गए। बोले महाराज आप जीत गए हो, क्योंकि मैं परीक्षा कर रहा था एकादशी पर, मेरा व्रत है, तुम अपना एकादशी के लिए सबसे प्यारा बेटा होता है, सबसे बेटा अपना प्यारा होता है, तुम अपना बेटे को भी मेरे सेवा के लिए, तुमने बेटे को भी बलिदान दे दिया, मैं प्रसन्न हूँ। ये बात मत कर, चुप रहो, निकलना, इसलिए तुम्हारे लिए वैकुंठ से रथ आया है, रथ में बैठो और सीधा भगवान के पास में चलो। बोले धर्मांगद, तुम मेरे लिए अपना जीवन दान भी दे दिया, अभी तुम राज्य तो करो, तुम इसको बाद में तुम भी वैकुंठ में आ जाना, इतने में पाप बोले प्रभु मैं कहाँ रहूंगा। बोले देखो एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा, बताए ना पांच रबी सस्य है, जैसे गेहूं या जितना चीज बनती है, गेहूं से आटा बनती है, सूजी बनती है, गेहूं से जितना चीज बनती है, अरे जौ है इसमें जितना चीज बनती है, हैं? और जैसे जितने तरह का दाल होता है, और जैसे सरिसो है, ये सब चीज को एकादशी का दिन नहीं लेनी चाहिए। आप लोग तो जानते हो एकादशी व्रत रखते होंगे, आलू का पकौड़ी खा सकते हो, फल मूल ड्राई फ्रूट दूध दही बहुत सारी मखाना और मुकुली खाने के लिए तो बहुत सारी चीज है। इसलिए हमारे मंदिर में तो बाबा लोग कहते कब एकादशी आए, ये तो अच्छे अच्छे प्रसाद बनता है, इसलिए अच्छे अच्छे एकादशी के लिए अच्छी अच्छी, इसलिए खाने के लिए कोई कमी नहीं है, इसलिए केवल अपना जीवा को थोड़ा कंट्रोल करो, और उसको नहीं खा करके क्या करो, थोड़ी सी कम से कम कोशिश करो 12 बजे तक भूखे रहने के लिए। अगर किसको शुगर कोई रोगी हो, अगर जल्दी जल्दी खाते हो, जल्दी भी खाओ कोई दोष नहीं है, लेकिन अन्न नहीं खा करके क्या करो, जो चीज एकादशी का दिन चलता है वो चीज को खाया करो, ठीक है ना। इसलिए पाप को उन्होंने स्थान दे दिया, गो हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या, ब्रह्म हत्या, ये पांच पाप सबसे बड़ा पाप बताया। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करते हैं, ये सब के पाप की अंशदारी वही बनते हैं, कहते सब पाप से मुक्ति है, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करता है उसको कोई मुक्ति नहीं, कोई भी मुक्ति नहीं उसको, उसको पाप भुगतना ही उसको पड़ेगा है। इसलिए इतने में मोहिनी बोली, बोले प्रभु मेरे को कहा स्थान मिलेगा, मैंने तो गड़बड़ी की। बोले देखो इधर सुना, कहते एकादशी कभी कभी देखना एक ही एकादशी आती, और कभी कभी देखना एक दशमी भी था और एक द्वादश लगा हुआ एकादशी आती। जब ऐसे दो एकादशी आ जाए, पहला दिन का एकादशी नहीं करना चाहिए, अगर उसी दिन एकादशी जो व्रत करेगा उसका फल महीन को मिला आपको नहीं मिलेगी। जब ये दो एकादशी आ जाए, दूसरे दिन जो एकादशी जो द्वादशी में लगा हुआ जो एकादशी करोगे, तो उसका एकादशी से भी ज्यादा महत्व द्वादश जुम्मन एकादशी है, इसलिए उनको इन्होंने स्थान दे दिया। इसलिए आप लोग हर बार जरूर एकादशी करना, 15 दिन में एक बार केवल एकादशी आती है। आप देख लेना कभी कभी होता है ना, पति पत्नी में कभी लड़ाई हो जाती है, कभी लड़ते हुए नहीं घर में, आप देखना 2-3 दिन तक एकादशी व्रत चलती रहती है, चलता है कि नहीं, मान करके भोजन ही नहीं करती है। इसलिए ऐसी ही घटना हुई, एक राजा रहे, एक कोई पति पत्नी थे, उनको पता नहीं था आज एकादशी, और सबर सबर होगी लड़ाई, तू मैं हो गई तो बोले मैं भोजन नहीं करूंगी, पत्नी का मैं खाऊंगा नहीं, तू भोजन क्या बना, बस ऐसे उन्होंने कर दिया। तो एक एकादशी निर्जला किया तो अगली जीवन राजा रानी होकर जन्म हुई और प्रभु की भक्ति बनी रही है। इसलिए हम कभी लड़ाई करके व्रत रख लेते हैं, अगर भगवान के लिए प्रीति से करोगे तो क्या फल नहीं मिलेगा, ठीक है। सबके सब एकादशी व्रत रखना एकादशी की बड़ी महत्व है, बोले श्री एकादशी व्रत की। हाँ देखो आप बोलोगे भैया कब तक एकादशी आएगा, हमें पता कैसे चलेगा। राहुल अगर आप लोगों ने अपना फोन नंबर दे जाओगे तो फोन नंबर रख लेना,
उसमें मैसेज करते थे हम लोग, एकादशी कब होगा, कौन सा दिन सही एकादशी, दूसरे दिन कितने समय को अंदर में तुम्हें व्रत खोलोगे और न खाओगे सूर्य उदय के बाद, उसको सब भेज देते हैं, वो अपने आप तुम्हारी फोन में आ जाएगी, आ जाएगी तो उसको देख करके अपना एकादशी व्रत कर ले करना, ठीक है। सबके सब हमारे राहुल प्रभु को इनको अपना फोन नंबर लिखवा देना और ये व्हाट्सएप में सबके पास में ये पहुंच जाती है। बोले श्री एकादशी तिथि की जय, बोले सियावर रामचंद्र की जय, हरि भगवान राम लक्ष्मण सीता तैयारी है अभी आने वाले दो भी हाँ। देखो एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को जैसे माताएं होती है ना बच्चों को सुलाती है थपथप लगा करके, एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को थपथप लगा कर सुला रही थी, सुलाते समय भगवान राम की कथा सुना रहे थे। बोले लाला कन्हैया दशरथ नाम एक महाराज थे, कृष्ण बोले हूँ, बोले घर में तो सब सुख था लेकिन घर में एक चीज की कमी थी, घर में कोई संतान नहीं थी। बोले हूँ कृष्ण हूंकार भर रहे अदान मत करो। अभी बोले राजा ने श्री ऋषि सिंह मुनि को बुलाए और यज्ञ करवाए, यज्ञ से खीर निकला, उन्होंने कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को बटवा कर खिला दिया। बोले हूँ, बोले समय होने पर भगवान स्वयं चतुर्व्यूह रूप में भगवान तीन दो बार में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध शंकर संग रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। बोले श्री भगवान रामचंद्र की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। इतने में भगवान चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए और उपयुक्त समय आने पर ठाकुर जी की नामकरण संस्कार भी ठाकुर जी नामकरण करवाए और क्या नाम रखे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हरे कृष्णा, इधर सुनो सब, देखो अरे कथा सुन लो सब कथा, ये बात है ना, कहते अगर भागवत कथा में कहीं बरसात होती है इसका मतलब क्या जानते हो, कहते देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्पों की बौछार करते हैं। इसको बता रहे 15 दिन पहले लू चल रही थी ना जी, अभी पानी करके हाहाकार दुनिया में मच जाते हैं, पानी नहीं पानी नहीं, लेकिन देखो जब से भागवत कथा हुई तब से बारिश हो रही, मतलब क्या ये देवता लोग खुश होकर के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी कृष्ण हुंकार भर रहे थे, अभी चार बच्चों का नाम राम, राम मतलब जो जगत को आराम देते हैं, जो भी लोग जिनके चरण में अपना हृदय को जिसमें रमा रहते हैं। दूसरा बेटे का नाम भरत, भरत मतलब भक्ति को द्वारा दुनिया को जो भरण पोषण करते हैं। लक्ष्मण मतलब लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम, जो लक्ष्मी को बढ़ाने वाले, कौन सा लक्ष्मी, कहते भक्ति रूपी लक्ष्मी को बढ़ाने वाले। शत्रुघ्न मतलब तो शत्रु को ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। चार बच्चों को उन्होंने नाम रखवाए, जब बच्चे धीरे 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 बच्चे बड़े हुए, ये मैया जसोदा कृष्ण किसको कथा सुना रहे, कृष्ण को सुना रहे, और कृष्ण छोटे बच्चे अभी हूँ हूँ करते करते कृष्ण सुन रहे हैं। करते करते एक दिन जब उन्होंने गुरुकुल में गए और 64 दिन में 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन करके आए, जब आए एक दिन विश्वामित्र जी आए और उन्होंने दशरथ महाराज से बोले, महाराज जब हम भजन करते हैं, जब यज्ञ करते हैं, ये राक्षस लोग हमें भजन करने नहीं देते, यज्ञ करने नहीं देते, ताकि विषाव कर देते हैं, यज्ञ को भ्रष्ट कर देते हैं, हम चाहते हैं ये राम और लक्ष्मण ये दो पुत्र को दो, ये दोनों पुत्र को लेकर के यज्ञ को हम समाप्त करना चाहते, यज्ञ को हम पूरी करना चाहते हैं। तब उन्होंने राम लक्ष्मण को लेकर गए, उन्होंने विश्वामित्र यज्ञ को उन्होंने पूरी किया। विश्वामित्र जी ने कहा, देख राम एक यज्ञ तो तुमने पूरी किया लेकिन और एक यज्ञ मिथ्यापुरी में हो रहा है, ये यज्ञ तो तुम्हें ही पूरी करना पड़ेगा। जनक महाराज का यज्ञ हो रही है जहाँ पर सीता देवी की स्वयं बन सफा हुई, इसलिए वहां भी जाना पड़ेगा। तब राम लक्ष्मण को लेकर के जब गए, बीच में अहल्या पत्थर बनी हुई थी, भगवान राम ने चरण स्पर्श किया तो माता अहल्या की मुक्ति मिल गई। जब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जनकपुरी में पहुंचे, जनकपुरी में पहुंचते ही जनक महाराज पहले बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, क्या थे, ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान को निराकार विशेष मानते थे, लेकिन जब भगवान राम को उन्होंने रूप देखा है ना,
कहते इन्हें बिलो कत आती हर सीता, इन्हें बिलो कत आती हर सीता, भगवान राम को देख कर कितने खुश हो गए हैं। देखो अगर किसकी बेटी शादी के लायक हो गई, बेटी किसकी शादी के लायक, देखे ना पिताजी हर समय क्या सोचते हैं, बेटी को कोई योग्य पात्र देख करके हम बेटी को शादी कराएं, यही सोचते हैं ना। आप देखना अगर कोई बेटे को अगर देखे है ना, पहले बेटा क्या सोचता है, क्या मेरी बेटी की लायक है। लेकिन जब राम लक्ष्मण आए, राम लक्ष्मण आते जनक महाराज जब राम लक्ष्मण को देखे है ना, देख करके उन्होंने पूछे विश्वामित्र जी को, बोले ये दो बालक कौन सा जाति के हैं, बोले क्षत्रिय जाति, कौन सा जाति के, क्षत्रिय, और जनक महाराज क्षत्रिय, उनको बेटी क्षत्रिय, इसलिए हम अपना जाति में शादी देते हैं ना इसलिए। लेकिन जब उन्होंने राम रूप को देखा उन्हें मुक्त हो गए, बोले ये परम ब्रह्म होगा, क्योंकि अभी तक तो मैं ब्रह्मा ब्रह्मा बोलता था, लेकिन इसको दर्शन करते ही मेरा मन से ये ब्रह्म स्वरूप अपने आप खत्म हो गया और इनकी चरण में ही मेरा मन रम गया, लगता है ये परम ब्रह्म है। जब उन्होंने पूछा ये कौन है जाति के, क्षत्रिय जाति के, इनकी मन में भावना हुई भैया काम बन सकती है, काम क्या काम बन सकती है, शादी की, ये सीता की ये पति बन सकते हैं, इतने सुंदर है, हैं इतने सुंदर, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अभी जब इनको कहां पर उनको स्थान दी गई, जहां जानकी की सुंदर एक एक भवन, सुंदर भवन था जहां पर कौन रहती थी, माता जानकी जहां पर रहती थी, फिर वहीं उनको स्थान दिया। बोले जानकी कौन है, कदिय लक्ष्मी है, जानकी कौन है, कदिय लक्ष्मी है, इसलिए ये भक्ति देवी है। भगवान का निवास कहाँ पर है, भक्ति का स्थान पर ही भगवान का निवास है, इसलिए वहीं पर उन्होंने उनको सुंदर वाटिका में उनको स्थान दिया। और उपयुक्त समय देख करके श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण का आदेश दिया, बोले जाओ बच्चों पुष्प चयन करके लाओ, मैं ठाकुर को सेवा करना चाहता हूँ। जब उन्होंने पुष्प चयन करने के लिए गए, सुंदर वाटिका है, अपूर्व वाटिका, कहते उसी वाटिका में कोई भी एक फूल, माता जी क्या बात करते हो, हमने बैठे चुपचाप नहीं बैठ सकते, इसलिए उन्होंने देखा उसी वाटिका में कोई एक फूल, कोई एक पत्ता, कोई भी एक लता को सूखा उन्होंने नहीं देखा, सबके सब उन्होंने देखा ये हरा भरा देखा, सबके सब है ये सबके सब हरा भरा देखा। बोले क्यों, लोग वाटिका किसकी वाटिका, बोले श्री माता जी की वाटिका, श्री सीता जी की वाटिका, साक्षात लक्ष्मी भक्ति वाटिका है ना, वहां पर सूखा कहाँ, सूखा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब उन्होंने प्रवेश करने के लिए चाह रहे थे, इतने में वहां पर एक माली था, माली ने कहा भैया इसके अंदर में प्रवेश नहीं। बोले क्यों प्रवेश नहीं, बोले इसलिए प्रवेश नहीं, इसके अंदर में अगर प्रवेश करना चाहते हो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या है, बोले एक बार हमारी श्री सीता जी के लिए एक बार जयकार करना पड़ेगा, इसके लिए जयकार करना पड़ेगा, माता सीता की जयकार करना पड़ेगा। लक्ष्मण बोले क्यों, सीता का क्यों जयकार देंगे, हम जयकार देंगे तो प्रभु राम की जयकार देंगे, किसको जयकार देंगे, राम को हम जयकार देंगे। लेकिन इतने में माली ने बोले, बोले राम की जयकार नहीं, जब तक सीता की जयकार नहीं तो अंदर में प्रवेश नहीं। इतने में भगवान राम ने कहा लक्ष्मण पहले तो घुसने नहीं दे रहे थे, अरे कम से कम घुसने दे रहे थे, सीता का जयकार दे दो ना, देने में क्या हो जाता है, इसमें बुराई क्या है। इतने में बोले, बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले सीता देवी की जय, माता जी बात भी बोलते ना, चुपचाप बैठे सामने, इसलिए एकदम कथा होती है ना सामने बैठ इधर उधर करके मेरा मन भी इधर उधर जाए, इसलिए जो सामने बैठता हूँ चुपचाप बैठना, नहीं तो पीछे तुम जाना, अच्छा चुपचाप बैठने वाले उसको सामने देना। हाँ इसलिए उन्होंने सीता जी की जयकार देकर जब अंदर में प्रवेश किया, और जब अंदर में प्रवेश किया ना, वो पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प अपने आप उनके हाथों में समर्पित हो रहे थे। बोले क्यों समर्पित हो रहे थे, कारण क्या, बोले कारण है मैया सीता की सृष्टि कहाँ से, बोलो धरती से, धरती से, इसलिए उनकी सांस लगती है, राम की सांस कौन लगती है, पृथ्वी, पृथ्वी,
उसमें जो परीक्षा हुई है उनका बेटे, उनको बेटे हो गए, इसलिए भगवान का ये क्या लगते हैं, साला। क्या लगते हैं? साला। घर में अगर दामाद आए, दामाद आए, साला क्या करता है, क्या दामाद की सेवा करने के लिए कोशिश करते हैं कि जितना परीक्षा हो गई सबके साला हो गई, अभी भगवान आएगी तो दामाद लगेंगे, दामाद को कभी परिश्रम होने देंगे, इसलिए परीक्षा क्या कर रहे थे, प्रभु के हाथ में स्वयं स्वयं पुष्प अपने आप समर्पित हो रहे थे। लेकिन समर्पित तो कौन सा पुष्प हो रहे थे, प्रभु चयन खिले हुए पुष्प का चयन कर रहे थे। लेकिन कुछ अधखिले कलियां थी, इतने में रोना शुरू कर दिया। लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, बोले भैया क्यों रो रहे हैं, बोले रो ही नहीं हंसेंगे, आज अगर हम खिले हुए होते हैं ना हम प्रभु राम की सेवा में लग जाते। लेकिन देखो प्रभु तो खिले हुए फूल का चयन कर रहे हैं, अधखिले कलियों को चयन नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण बोले मैं पीछे हूँ ना, मैं सेवा में लगाऊंगा। लक्ष्मण कौन है? गुरु। गुरु का काम क्या है? जीव को प्रभु को सेवा में लगा दे। ये किसका काम है? ये गुरु का काम है। इसलिए लक्ष्मण जी ने बोले मैं पीछे हूँ ना, मैं तुमको भगवत सेवा में लगाऊंगा। उन्होंने जो अधखिले जो कलियां है ना, वो अधखिले कलियों को तोड़ना शुरू किया। तोड़ करके बोले प्रभु आज मेरे मन में इच्छा है आपको ये वाटिका में बैठा करके अपना हाथों से मैं श्रृंगार करूँ। तो उन्होंने अधखिले कलियों को गुच्छा गुच्छा बना करके प्रभु राम की चोटी में श्रृंगार किया। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, बोले खिले हुए फूल कहाँ पर है, प्रभु के हाथ में। अधखिले फूल कहाँ पर है, ठाकुर की चोटी, सेवा में लगे। लेकिन खिले हुए भी लगे नहीं, बोले इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है अधखिले मतलब हमारे अंदर में भले ही कोई योग्यता, तुम्हारे अंदर में कोई योग्यता नहीं, लेकिन अगर गुरु जी की शरणा में कर ले लोगे ना, गुरु जी तुम्हें क्या करेंगे, ठाकुर की सेवा में लगा देंगे। भले ही अगर तुम पूर्ण हो, लेकिन अगर गुरु जी की सेवा में नहीं गए, गुरु जी की शरण नहीं किया, तो जहाँ के तहाँ तू वही रहते वही रह जाओगे, ठाकुर की सेवा में तू लग नहीं पाओगे। इतने में माता सीता भी ठीक उसी समय में आई थी, क्या पुष्प चयन करके देवी की पूजा करने के लिए आए थे। और वहां पर जब देखा राम को सीता, दोनों जीवन में पहला बार जब देखे, दोनों को पहचान लिए, ये मेरी शक्ति है और मेरे प्रियतम है, दोनों को पहचान लिए। पहचान करके जब वापस गए ना, भगवान राम कह रहे बोले लक्ष्मण रघुकुल की सदा चली आए, प्राण जाए गुरु वचन न जाए। हमारे वंश में हमने कभी भी पराया स्त्रियों को कभी भी नजर उठा कर कभी हमने नहीं देखा, लेकिन जीवन में पहला बार मैंने सीता को देखा। जीवन में जैसे एक कंकड़ किसी पानी में फेंक दो ना, जैसे पानी में लहरी आती है, तो पता नहीं जब से मैंने सीता को देखा मेरे हृदय में जैसे खिलबिल मच गया। इसका मतलब है जो सीता है ना जरूर तेरी भाभी बनने वाली, क्योंकि हम रघुकुल में आए हैं, कभी पराई स्त्रियों में हमारी नजर कभी जाती नहीं। इसको प्रति गया मतलब हम कोई ये सीता तुम्हारी भाभी बनने वाली, ये सीता है। अभी राजा की प्रतिज्ञा है कि जो धनुष को जो प्रकृतता चढ़ा दे उसको साथ में बेटी जानकी की शादी होगी। पूरा देश देश के राजा आए हैं, राजा लोग आए वहां पर। जनक महाराजा अपना प्रतिज्ञा को बोले, इतने में एक एक राजा आकर कोशिश कर रहे हैं उठाने का, तो बात दूर है, उसको कोई हिला भी नहीं सकते। वहां रावण भी आया था, कितना बलवान है, कोशिश किया हाथ को अंदर में घुसाने के लिए, एक घुसा है तो इतने भोजन था हाथ को निकाल नहीं सकते, इतना भोजन था जब किसी ने नहीं उठा पाए। लेकिन वहां जनक महाराज बैठे हुए थे, उनको पता है उठाने वाले एक ही व्यक्ति बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ, प्रभु राम। लेकिन जो उठाने वाले को तो चुपचाप बैठा, लेकिन जो नहीं उठा सके ना वही कोशिश कर रहे हैं उठाने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा भैया जो झंडा है ना, ये डंडे के ऊपर झंडा रहता है, कहते ये डंडा स्वरूप कौन, बोले राम। डंडा स्वरूप लक्ष्मण है, बोले झंडा स्वरूप कौन, कहते श्री राम। डंडे के ऊपर झंडा रहता है ना, बोले डंडे उठेगा फिर झंडा उठेगा, बोले मतलब जब तक मैं लक्ष्मण को खड़ा नहीं करता हूँ ना तब तक ये कोई भी खड़े होने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने थोड़ी सी कड़क वचन बोल दिया, लगता है ये पृथ्वी वीर सुन्न हो गया है, जिस सीता मेरी बेटी एक हाथ से धनुष को उठा देती है उसको नीचे लिपा पुता लगा देती है, जिसको मेरी बेटी उठा देती है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े बैठे हुए राजा उसको कोई हिला भी नहीं सके, लगता है पृथ्वी वीर सुन्न हो गया। जब इतना बात बोले वहां लक्ष्मण बैठे हुए थे, लक्ष्मण को इतना गुस्सा आ गया, इतने में लक्ष्मण वहां पर खड़े हो गए, बोले महाराज चुप रहो,
इतने बड़ी बात पृथ्वी वीर सिंह हो गया, अब तो पता नहीं यहाँ पर कौन बैठे हैं, मेरे प्रभु राम स्वयं बैठे हुए हैं। ऐसे धनुष तो हम बचपन में खेलते खेलते कितने धनुष तो हमने तोड़ डाले, ये कहाँ सड़ा गला गला एक धनुष, इसकी बात कर रहे हो? ये धनुष की बात छोड़ दो, विश्व ब्रह्मांड को मैंने एक गेंद का भांति उठा करके 100 करोड़ तक में जा सकता हूँ। जब इतना बोले ना, इतने में राम ने कहा, बेटा गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु को सामने इतना नहीं बोलते, बैठ जा, गुरु को आदेश दो। इतने में श्री विश्वामित्र जी बोले, राम जाओ बेटा, गुरु जी के मन में जो संताप है जाकर के धनुष को उठा करके उनके संताप को दूर करो। अभी गुरु जी के आदेश को पा करके भगवान राम धीरे 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 आगे चल रहे हैं, और माता जानकी सामने खड़ी थी वरमाला लेकर के, प्रभु राम धीरे धीरे प्रभु राम चल रहे हैं। माता जानकी भगवान राम की कोमलता को सोच सोच करके प्राण त्याग करने जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले सवेरे जब वो पुष्प चयन करने गए थे, वो पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प इनके हाथ में समर्पित हो रहे थे, सवेरे का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, लेकिन प्रभु राम इतने कोमल अंग है, उसी समय में भी प्रभु का शरीर से पसीना बूंद-बूंद टपक रहा था। बोले इतना बड़ा धनुष को क्या प्रभु उठा पाएंगे? अगर नहीं उठा पाएंगे तो मेरी क्या होगी? सीता तो प्राण त्याग देने के लिए जा रही थी, भगवान राम ने देखा, कहा बरसा जब कृषि सुखाई, मैं ये धनुष को क्यों उठाने जा रहा हूँ? सीता के साथ में शादी होगी, लेकिन इसकी पहले अगर ये प्राण त्याग कर देगी फिर तो धनुष को उठाने का मतलब क्या रह गया? इतने में सीता जी की भावना को समझ करके प्रभु राम तो जल्दी जल्दी गए, अब पता नहीं कब उन्होंने धनुष को पकड़े और धनुष को उठाया। जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गई प्रत्यंचा, तो धनुष दो टुकड़े हो गए। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। इतने में जनक महाराज इतने प्रसन्न हो गए, बोले सुनैना जल्दी जल्दी सीता को लेकर के आओ। अभी सुनैना अभी सीता को लेकर के आई, जब सीता को लेकर के आई, आ जाओ बच्चों, आ जाओ तीनों, आ जाओ, मेरी बात सुनो, माला को माला है उनके लिए, माला रखे हो, हरे कृष्ण तीनों ठीक से खड़े हो जाए। इतने मैया सीता सामने से सीता आ रहे धीरे धीरे। अभी जब सीता आ रही तो बोले सीता कितने बड़ी, मेरे तरफ से देखो, तुम लोग तो मेरे को देखना ही बोल रहे। ठीक है, बोले सीता कितने बड़ी थी? बोले सीता थी भगवान राम के कंधे तक है। अभी मैया सीता अभी माला लेकर के प्रभु राम की गले में पहनाना चाह रहे, लेकिन हाथ ही नहीं पहुंच रही थी है? इतने में जब हाथ नहीं पहुंच रही थी, इतने में जो सखियां जो थी ना, जो सीता जी की सखियां राम की कान में आकर बोले, राम थोड़ी सी सर झुका दो ना, क्योंकि सीता जी की हाथ नहीं पहुंच रहा है। इतने में राम ने बोले, क्या सर झुका दे? तुमको पता है मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटे है? दशरथ महाराज का। दशरथ मतलब क्या? जिनके 10 दिशाओं में रथ चलता था है? इसलिए बड़े पराक्रमी थे। बोले रघु की नीति सदा चली आई, प्राण जाए करो बचन न जाए। हमारी वंश में कभी भी किसी ने इसकी सर पर सिर नहीं झुकाए। अभी शादी भी नहीं हुई, बोले सीता के पास में सर झुका के, भैया हम तो सर झुकाने वाले नहीं, हम तो ऐसे खड़े रहे। इतने में भगवान देखे मैया सीता हाथ में माला लेकर खड़ी हुई, तब लक्ष्मण विचार के, बोले लक्ष्मण तू कर चुका है, क्यों? लक्ष्मण कौन है? पृथ्वी। लक्ष्मण कौन है? पृथ्वी। बोले लक्ष्मण तू तो कुछ कर। बोले प्रभु मैं क्या करूं, पृथ्वी तो दो टुकड़े है ही नहीं, जो एक ऊंचा और एक नीचा कर, पृथ्वी दोनों बराबर है, अगर नीचा करूंगा तो दोनों ही नीचे हो जाओगे, ऊंचा करूंगा तो दोनों ही ऊंचे हो जाओगे। बोले कर तू कुछ कर तू लक्ष्मण, तेरे देख तेरी भाभी खड़ी हुई, मैं तो बोल दिया सर झुका नहीं सकता हूँ। इतने में लक्ष्मण प्रभु की भाव समझ करके लक्ष्मण प्रभु की चरण में प्रणाम करने के लिए, जब प्रणाम करने के लिए
जितने स्वर्ग में देवता लोग थे ना, सबके सब पुष्पों की बौछार किए। जब बौछार किए देखो इधर, जो उनकी सालियां थी ना लक्ष्मण से, पता है ना लक्ष्मण से था साली, वो हंसी दिल की थोड़ी थोड़ी करते हैं, हंसी दिल की करती हैं। इतने में सखियों ने बोले देख, हैं सखियों ने के बोले देख लक्ष्मण, तेरे प्रभु को माला, तेरे प्रभु को हैं, तेरे प्रभु को हार पहनना ही पड़ा। एक बात मत करो, मक्का जी ना करते बैठो, तुम चाहे बैठो ना, तीन नहीं तो बैठने, इसलिए कि तेरे प्रभु का हार पहनना ही पड़ा। मतलब क्या है, लास्ट में तेरे प्रभु का हार मानना ही पड़ा, हार मानने हैं, हार मानना ही पड़ा। हार मतलब एक होता है हार माला, और हार मतलब हार जाना। लक्ष्मण बोलते तुम लोग हार बोलते हो, लेकिन हमारे देश में हार नहीं जय माला कहते हैं। क्या कहते हैं, जय माला कहते हैं। इसलिए मेरे प्रभु को जय माला मेरे प्रभु ने पहना है, हैं? इतने में अभी इनकी शादी हुई। श्री जनक महाराज ये सोच रहे थे श्याम ये दो भाई है, लेकिन जब बारात आई ना, देखा कि चार ही भाई, और इनके पास में चार ही बेटियां थी। कौन कौन थी, सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकी, ये चार बहन सख्यात लक्ष्मी स्वरूप में, और ये चार ही भाई ये सख्यात नारायण स्वरूप है। जब ये चार ही भाई आए, देखा भैया ये तो चार भाई है, हम सोच रहे थे दो भाई, घर में तो हमारी चार बेटी है, जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, भैया शुभम शीघ्रम शुभ कार्य शीघ्र हो जानी चाहिए। खैर उन्होंने दशरथ महाराज से बोले आपके पास में चार बेटे और हमारे पास में चार बेटी, अगर आपकी इच्छा हो आपका बच्चे सब शादी के लाएगी, हमारी बेटियां भी शादी के लाए, अगर आपका आदेश हो फिर हम चाहते हैं चार बेटियों का हम आपको दान देना। श्री उन्होंने वशिष्ठ से परामर्श, गुरु जी से परामर्श किया, बोले देखो बच्चों के लिए तो कहीं तुमको बेटी ढूंढना पड़ेगा, और इतना बड़े अच्छे वंशज, इतने जनक महाराज बड़े ज्ञानी हैं, और इतना बड़े वंशज से आपका बेटियां मिल रही हैं, भैया शुभम शीघ्र शुभ कार्य को शुरू कर दो। बस एक साथ में चार भाइयों का शादी हो गई। छह महीना तक वहां बारात रुकी, उनको आने नहीं दे रहे थे, बड़े कष्ट से लाए, लेकिन जब उनको लाए ना, जब घर में आए, हर माताएं चाहती है ना हमारी बेटा का जो बहु राम कितने सुंदर है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बहुत सुंदर, हर पिता माता चाहते है ना मेरे बेटे जैसे सुंदर बहुनी ऐसे सुंदरी हो। जब हमारे श्री कौशल्या उसने सीता जी की जब उन्होंने घूमटा खोली, सीता मैया इतने सुंदर थी, जब उसने घूमटा खोली ना ऐसे लगा जैसे चांद नहीं प्रकट हो गया, इतनी सुंदर थी सीता मैया। पास कौशल्या तो इतने खुश हो गए, इतने खुश, और कई कई भी उन्होंने मुंह देखा में पूरा के पूरा उन्होंने क्या दे दिया, कनक भवन को दान में दे दिया, इतने प्रसन्न हो गए हैं कनक भवन को। ऐसे देखा बेटे जैसे सुंदर बेटियां भी बड़ी सुंदर बहुए, सब के सब खुश हो गए। जब खुश हो गए इधर क्या हुआ, देखो जो जब ये जनकपुरी में थे वहां पर जितने सब सालियां थी, देखना दामादों को साथ में सालियां हंसी दिल करते करती है कि नहीं, उन लोगों ने किया किया चार ही बहुओं को अच्छे तरह से सजा करके घूंघट उतार करके बड़े बड़े चार बेटों को पास में ले आए, हैं ला करके बोले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुम चार ही भाई, ये तुम्हारी चार ही बहू है, अपना अपना बहू को छाट। बोले देखो सावधान राम, जो छोटे भाई की जो पत्नी होती है ना वो अपना बेटी के बराबर है, अगर तू अपना बहू को बहू नहीं बोल करके छोटे भाई का अगर बहू को तुमने बहू बोल दिया, बेटी को बहू बना, सावधान तू। छोटे भाइयों को बोले सावधान, बड़े भाई का जो पत्नी है माँ की बराबर है, अगर तुम अपना हैं, अगर तुम बड़े भाई का पत्नी को अगर पत्नी बोल दिया तो माँ को बहू बनना, कितना पाप तुम पता है, छाट लो कौन किसका बहू। चार भैया को तो बसना बजना आ गया, अभी तक हमने बहू को देखा ही नहीं, और ये कहते छाट लो हम पता कहीं चलेगा। लेकिन भगवान राम ने बहुत सोच सोच करके बोले ये मेरी बहू है, सही उन्होंने बता दिया। बोले भरत को बोले तुम बताओ तुम्हारी बहू कौन है, भरत भी बहुत सोच सोच करके बोले ये मेरी बहू। इतने में शत्रुघ्न को बोले तुम्हारी बहू कौन है, वो भी सोच सोच कर बोले ये मेरी बहू। अभी लक्ष्मण को बोले तेरी बहू कौन है, वो भी सोच सोच कर अपना बहू को छांट लिया। ये तो बड़े आश्चर्य में पड़े गए, बोले अभी तक तो इन्होंने देखा नहीं पत्नी को छांट कैसे लिया,
राम को बोले राम तू कैसे पहचाना तेरी ये बहू, बोले देखो मैंने सीता को दो बार देखा है, एक तो अशोक वाटिका में देखा, दूसरा बार देखा जब मेरे गले में माला पहना रही, मैंने दो बार सीता को देख लिया था इसलिए मैंने पहचान लिया ये मेरी सीता है। भरत को बोले बताओ तू कैसे पहचाना तेरी बहू, बोले देखो जब मैं कोई भी काम करता हूँ प्रभु राम के चरणों को चिंतन करते हुए करता हूँ, इसलिए मैं कभी फेल नहीं होता हूँ, हर बात में सक्सेसफुल हो जाता हूँ, इसलिए प्रभु राम के चरणों को चिंतन करते करते जान लिया। शत्रुघ्न को बोले तुमको कैसे पता चला कि तेरी बहू, उसने कहा हम सबसे छोटे भाई, मैंने देखा कि चारों में सबसे छोटी कौन होगी, जब सबसे छोटी होगी ना ये मेरी बहू होगी, इसलिए जब छोटी थी मैंने उसको चुन ली। तब लक्ष्मण को बोले तेरे को कैसे पता चला कि तेरी बहू, बोली ये सीधी सी बात है, बोले क्या है, तीनों ने जब तीनों ने छांट लिया तो बच गई वो मेरी बहू है, इसलिए हमने छांट लिया, इसलिए ऐसे बड़ी सुंदर सुंदर लीला हुई। और भैया जसोदा कृष्ण को ये कथा सुंदर सुंदर कथा सुना सुना करके ये सब के सब ये स्टोरी सुनाई थी। बस या बल रामचंद्र जी प्रभु जी हाँ सब खुश है, प्रभु ये सुंदर भजन गाएंगे सुब जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है जइयो राम जी के चरणों में झुक गए वो ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए वो ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए वो ज्ञानी, राम जी के
कथा कभी समाप्त नहीं होता है क्योंकि हरि अनंत हरि कथा है। इसलिए आज तक राधा रानी थोड़ी देरी बाद में राधा रानी जन्म लगी, कल श्री कृष्ण रूपिणी के विवाह होने वाले, और कल आप लोग जो कपड़ा पहन करेगा ना चमक धमक, शादी में जैसे जाते हो ना, जाते कि नहीं शादी में, लगता है आज ही तो लगता है कोई शादी है, आप भी आज बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आना, कल सबसे बढ़िया कपड़ा पहन करके आना, आज राम जी की कल कन्या की शादी है, ठीक है, कल लाल रंग के सब, लाल रंग के सब कपड़ा पहन करके, ठीक है, और कल रुक्मिणी, कल रुक्मिणी की शादी हुई, अगर आप लोग रुक्मिणी के लिए अगर कोई बढ़िया साड़ी ला सकते हो लाना, क्योंकि हम वृंदावन में हमारे राधा रानी है, है? और जयपुर में भी हमारे राधा रानी, अगर अच्छी कोई साड़ी लाओगे फिर हम उसको ले जाएंगे और राधा रानी को साड़ी राधा रानी को हम पहनना है, ठीक है। हाँ देखो, अरे कल सुदामा जी की भी कल चरित्र है, सुदामा चरित्र है, इसलिए घर से थोड़ा थोड़ा चावल लाना, जैसे दो मुठी उन्होंने चावल खाई तो त्रिभुवन का उन्होंने राजत्व दे दिया था, हो सके तो थोड़ी थोड़ी चावल लेकर के आना, और लास्ट में मैं वो चावल आपको मैं दूंगा, आप अपना झोली में लेकर के अपना ठाकुर जी के मंदिर में लाल हो पीला कपड़े हो बांध के रखोगे तो कभी लक्ष्मी कभी घर से नहीं जाती है, लक्ष्मी घर में खूब लक्ष्मी बरसती है, ठीक है। हाँ देखो, आज एकादशी, एकादशी कथा सुने, अभी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये जो कथा है ना ये पूरी भागवत जो हम लोग ने सात दिन सुने हैं ये भागवत का सार किया है, इसलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ये कहानी सुनाने का बाद फिर आपसे मैंने ये कथा दो बार में पूछी, मैं देखूंगा ये कथा मेरे को दो बार पर सुना सकता है, जो सुनाएगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है, पता जी चुपचाप बैठो, हरे कृष्ण, इसलिए मेरे को दो बार वो कथा सुनाना, ठीक है, कौन सुनाएगा अभी जो मैं कहानी सुनाऊंगा, दो बार मेरे कौन सुना सकते हैं, सब सब राम सीता को देखेंगे, मेरे तरफ नहीं देखो, कथा अभी सुनाऊंगा फिर बाद में मैं पूछूंगा, मेरे को दो बार बोलना, ठीक है, नहीं बोल पाओगे ना फिर बीच में खड़े कर तो मैं पूछो, इसलिए एक मन से सुनो, और ये भागवत का यही सार है, देखो ये इतने सुंदर की कथा है, अब जिनको ये कथा सुनाओगे ना उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, वो प्रभु का भजन में लग जाएगा, इसलिए कथा को सुनना और तुम्हारी अड़ोसी पड़ोसियों को भी सुनाना, जो सुनेगा वो कथा को प्रभु की भजन में लग जाएगा, ध्यान देकर सुनना पूछो, फिर कथा को बाद में फिर पूछूंगा। बोले एक समय में कोई एक राजा था, कहते वो राजा के चार रानियां थी, कितना थी, चार, जो सबसे जो बड़ी रानी थी राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, अब उसकी मन पसंद चीज को दे दे के उसको खुश रखता था, हैं? राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी चारों रानियों में उस सबसे देखने में सुंदरी थी, हर व्यक्ति जानता ना मेरी पत्नी सुंदरी हो, इसलिए बहुत ही सुंदरी थी, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था
उसको अच्छे तरह से सजा धजा करके रथ को बैठा लेता था और दुनिया को दिखाता था, देखो मेरी रानी कितने सुंदर है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बहुत मीठा मीठा बोली बना बना करके बोलते थे, इसलिए राजा जब घर में आता था वो तीसरी नंबर रानी के पास में बैठ करके वो जो मीठी मीठी बोली बोलती थी उसको सुन सुन कर बड़ा खुश होता था। लेकिन मन की बात और किसी को नहीं, तीसरी नंबर रानी को मन की बात बोलता था। राजा की जो चौदह नंबर की रानी थी है तो बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी है, लेकिन जब से राजा उसको घर में शादी करके लाए ना तब से उसको साथ उसने कोई मतलब नहीं रखा, कभी उसे पूछा ही नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी है। अब राजा का अंतिम समय आया मरने का समय, उसने देखा मेरे चार चार रानियां हैं, इनको पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरे साथ है। अभी सबसे उन्होंने बड़ी रानी से पूछा, अब बताओ बड़ी रानी कौन थी बोलो। राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी मन पसंद चीज को ला ला करके देता था उसको खुश करता था, ये सबसे बड़ी रानी थी। उससे पूछा रानी तू मेरे साथ में चलोगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली हुई नहीं, बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों, तेरे लिए जो किया तुमने जो मेरे लिए किया तुम्हारी कर्तव्य था। बोले तेरी बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा तो दुखी हो गया, सबसे ज्यादा धोखे तो वही थी। पर उसने दूसरे नंबर से पूछा, दूसरी नंबर कौन थी, सबसे जो सुंदर है। राजा जिसको सदा सजा करके दुनिया को दिखा करता देखो ये रानी मेरी कितने सुंदर है। तब उससे पूछा भैया तू क्या करोगी, बोले मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करूंगी, बोले देख मैं कितने सुंदर हैं, जहाँ जाऊंगा वही मेरे को पसंद कर लेगा, पहले तो तू दुनिया को दिखा दिखा कर मेरे को रखा है, अभी जहाँ जाऊंगा वही मेरे को पसंद कर लेगा। बोले हे भगवान ये क्या कहती है, दूसरे से शादी करेगी। अभी उनने तीसरी नंबर से पूछा, तीसरी नंबर कौन थी जो मीठी मीठी बोलती थी मन की बात जिसको बोलता था। बोले तू क्या करोगी, ये थोड़ी अच्छी नहीं थी। बोले तेरे साथ तो चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, कहाँ तक, दरवाजे तक चलना कोई चलना है। बोला अगर तू ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तक आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ नहीं है। बोले यदि तू भी कोई काम नहीं दरवाजे तक चलना थोड़ी कोई चलना कहती, बोले वहीं तक चल सकती हूँ आगे नहीं। अभी चौथी नंबर से पूछी, चौथी नंबर कौन थी जिसको शादी करके तो लाया लेकिन जिंदगी में उसको कुछ पूछा ही नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। पहले तो सोचा इसको कुछ भी नहीं पूछूं, क्यों जिसके लिए करोगे इसको पूछ सकते हो, जिसके लिए करोगे नहीं उसके लिए क्या पूछोगा। लेकिन सोचा तभी मेरी रानी एक बार पूछ करके देख लेता, बोले रानी तू क्या करोगी, चलोगी मेरे साथ में, तो तेरे को शर्म नहीं लग रहा है, जब से तुमने शादी करके घर में लाए हो कभी मेरे को पूछा, कभी तेरे पास में साबुन है कि साड़ी है तेल कुछ तुम्हारे पास में क्रीम क्रीम कुछ है, तुमने कभी पूछा मेरे को, तब तो जिंदगी में पूछा नहीं, मरने से पहले पूछ रहे हो तेरे साथ मेरे साथ में चलूंगी नहीं चलू। तब उसने सोचा मैं तो सोच रहा था पूछ नहीं, वो पूछ दिया बताओ क्या करोगी। बोले देख राजा तेरे को मैं सबसे ज्यादा दिल से प्रेम करता हूँ है, लेकिन जिंदगी में एक बार भी मेरे तरफ में झांक करके नहीं देखा, लेकिन भले ही तुमने मेरे साथ में जो कुछ किया लेकिन दिल से मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी और सुखी में सुखी और दुखी में दुखी रहूंगी, बिना खाए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी। राजा तो बड़े आश्चर्य में पड़े गए, जिनके लिए जिंदगी किया वही जाने के लिए तैयार नहीं, और जिनके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार। देखो ये कथा की रहस्य को समझो, ये जो कथा है ना ये हमारी जीवन की कथा है, अगर इसकी रहस्य अगर आप समझ गए ना समझो आज से आपका जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी जीवन बदल जाएगा आज के, और समझो यही भागवत का यही कथा सार है, इसको अच्छे तरह से समझो और अपना जीवन में उतारने की कोशिश करो, ठीक है, तभी मैं सब समझूंगा कि साथी ने जो मैंने भागवत का कथा किया है तभी मेरे को कुछ फल मिला है, है? पहला रानी मतलब है कि जगत में हम जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और जिस समय में जो चीज की मांग करती है भले ही हमें चोरी बदमाशी क्यों करना नहीं पड़े उसको ला ला कर उसको इच्छा को पूरी कर रहे, लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगा वो हमारे साथ देने वाले नहीं।
है, ये कौन है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? आप लोग बताओ किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? माया। कौन कौन बोलता माया को? ये देखो, ये तो एक आंसर है, ये तो एक आंसर है, लेकिन ये पूरा नहीं है। लेकिन तब भी हम लोगों ने कुछ सही बताया। लेकिन देखो, ये जगत में कोई प्रेम नाम का कोई जगत में चीज नहीं है, कोई चीज नहीं। ये जगत में केवल स्वार्थ है। लेकिन जो तुम्हारी जो प्रेम दिखता है ना आपस आपस में, इसलिए प्रेम दिख रहे हैं क्योंकि आपसे कुछ मिल रहा है, इसलिए प्रेम दिखता। आप लोग पति मेरे घोड़ा प्रेम करता है, बोले क्यों प्रेम करता है? चूंकि उसको तू खिलाती हो, पिलाती हो, उसका सेवा करती हो, मत करो देखना कितना प्रेम करेगी। पर थोड़ा नाक टेढ़ी हो जाए देखना कितना प्रेम करेगा। इसलिए ये जगत में जो प्रेम दिखता है ना, वो केवल तुमसे, जैसे गन्ने देखा हो, गन्ने जैसे गन्ने से जैसे जूस निकालते हैं, एक बार देखे जूस निकल जाएगा, पर देखे और थोड़ा, फिर दो बार देखे फिर देंगे, बोले जूस निकलेगा, बोले और थोड़ी सी, चार बार देंगे, जब तक पूरा जूस नहीं निकल जाए ना देता रहेगा। अब जब पूरा निकल जाएगा उसको फेंक देगा, फेंकेगा नहीं, फिर जला के रोटी बनाएगा। यदि ये संसार भी ठीक वैसे है, इसलिए संसार केवल ये स्वार्थ का ही संसार है। इसलिए पहला पत्नी कौन हो गया? ये शरीर हो गया। इस शरीर को हम सबसे ज्यादा प्रेम इस शरीर को करते हैं। अब दूसरी पत्नी जो सबसे सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाता था, ये कौन है दूसरी पत्नी? कितना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया ये, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है। आपको पता होगा तो कितना कष्ट से हम पैसा कमाते हैं। इसलिए जिसको दुनिया को दिखाते हैं, मतलब क्या पैसा रहेगा, बढ़िया हम गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया दुकान वकान बनाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, हैं, कितना कष्ट से पैसा कमाते हैं। लेकिन ये पैसा से पूछो, भैया साथ में चलोगे? बोलते भैया मैं देख रहा हूँ दूसरे से शादी करूंगा तो मरने पर, मतलब क्या? बच्चों का नजर कहाँ रहता है? पिताजी कितने प्रॉपर्टी दुकान वकान उसमें नजर रहता है। ये सैलरी छूटते ही ये पैसा छठ दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए वो कहता है मैं दूसरे साथ में शादी कर लूंगी, मतलब जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा, ये पैसा भी हमारे साथ में नहीं जाने वाला। अभी तीसरा नंबर है राजा जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात बोलता था, और जो कहती है मैं दरवाजे पर जाऊंगी। कहती ये लोग कौन है? बोले हमारे परिवार वाले, जिनको साथ में बैठ करके मीठी मीठी बात सुनते हैं, मन की बात बोलते हैं। पहला नंबर आई पत्नी की, किसकी आई? पत्नी की, जिसको साथ फेरा लगा करके शादी किया था। पत्नी से पूछे साथ में चलोगी? बोले चलोगी, लेकिन दरवाजे पर चलोगी। पत्नी कहाँ तक चलती? उसका आगे नहीं चलती। बोले ज्यादा बोलोगे ना चार का तो मैं तो बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ में नहीं जाऊंगी। परिवार वालों से पूछा चलोगे? बोले क्यों नहीं, आरती सजाएंगे, राम नाम सत्य करते करते तेरे को शमशान तक ले जाएंगे, वहीं पर जला करके टाटा करते करते वापस आ जाएंगे। इसलिए परिवार भी वहीं पर गए हैं। अभी चौथी राज, इसको ध्यान देकर सुनो। राजा जिसको जिसको प्रति कभी ध्यान नहीं दिया, सोचा ये बेकार किसी काम का नहीं, लेकिन जब अंतिम समय में पूछा ना, वही कहती है तेरे साथ साथ में चलो, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी रहूंगी। कहती है चौथी पत्नी कौन है जिसको अभी जिंदगी में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखा, बेकार करके रखा, लेकिन यही केवल तुम्हारी काम में आने वाले और कोई भी तुम्हारी काम में आने वाले नहीं। कहते वो कौन है? बोले भगवान की भक्ति व भगवान का नाम, भगवान की भजन। इसको बोलो थोड़ा माला करो ना, बोले समय कहाँ है भजन करने के लिए? हमारे पास में बहुत समय है, हमारे पास कोई समय समय नहीं। अरे जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही सब माला लेकर हरे कृष्ण करके सब काम धाम है। हमारे बहुत काम, टीवी देखना है, स्मार्टफोन देखना है, गप्पे मारना है, इधर उधर बाजार में जाना है, बहुत सारी काम है हमारे अंदर पास में, हमारे पास में भजन की कोई समय नहीं है। जीवन में उसको सबके सब ज्यादा नेग्लेक्ट करके भजन को रखा, लेकिन जब अंतिम समय आएगा क्या बोलते बोलते ले जाएगी? कोई बोलेगा तेरे बीवी सच्चा था ना, तेरे बेटा बहू दुकान मकान सच्चा था? बोले सब कोई बात झूठा है, यहाँ से एक सुई धागा तेरे साथ नहीं जा रहा है, एक सुई धागा यहाँ से नहीं ले जा रहे। जितने प्रभु का नाम जप किया है, हैं, इसलिए राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा है। वो व्यक्ति को सुनाते है, बोले बेटा जितना राम नाम धन जप किया ना जितने, वही जा रहे हैं, इसके सिवाय जो कुछ किए हो कोई नहीं, देख लिया ना शरीर कहाँ तक गई,
पैसा कहाँ तक गया तेरे साथ में, पत्नी कहाँ तक चली, परिवार कहाँ तक चले, सब के सब यही रुक गए। इसलिए भागवत में कथा आती है, मरने का बाप जीव को जब महाराज के सामने खड़ी किया कर दिया जाती है, उसको जब महाराज प्रश्न करते हैं, बताओ ये जो 84 लाख जीवन को बाद में तेरे को जो मानव शरीर दिया था कितने भजन किया, कितने, वो नहीं बोले कितना बेटा थी, कितने छोरी थी, कितना छोरा था, कहाँ तुमने शादी करवाया, कितने दुकान, इसे बात नहीं बोलेंगे, बोले कितने 84 लाख जन्म के बाद में ये जो जीवन तेरे को दिया था, जो काम के लिए दिया था, किस लिए दिया था। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को पोटन लगे कपास, मातृ गर्भ से केवल भजन के लिए ही कसम खा करके आए थे, लेकिन यहाँ आ करके जो करने के लिए आए थे वो तो पीछे छोड़ दिया, और जो नहीं करने आए थे ना, सारा दुनिया अगड़म बगड़म सारा दुनिया करते रहे, फिर जीवन खत्म, फिर वही 84 लाख जीवन फिर खत्म कर। इसलिए मीरा क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 ये सब भजन को आप लोग गाते हो सब जानते हो। हाँ मीरा कहती है जीवन में मिला क्या, बोले जितने राम का नाम लिया वही मिला, और जगत में सब कुछ खोवा है, जगत में बोले ये धन कैसे है, बोले चोर नहीं ले वे लूटे नहीं जावे, दीना दीना बड़ा दशा, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। धन कैसे है बता जी, अभी नहीं थोड़ी देर 5 मिनट बाद में इसको पीछे ले जाओ। इसलिए कहते पायो जी मैंने राम, ये धन कैसे है, इसलिए कहते उसको चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, फूटे नहीं जावे, दिना दिना बढ़ता, ऐसे का धन है। अगर इसको पिताजी कमाएगा ना बच्चे नहीं ले सकते, अगर बच्चे कमाएगा तो इसको पिता भी नहीं ले सकते, जो कमाएगा केवल वही ये धन खोलेगा। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे अगर किसको बोलो था भजन के लिए ना, बोले नहीं थोड़ी सी पैसा कमा कर रख करके जाओ, थोड़ी सी पैसा कमा कर रखते समय कहाँ है। गुरु जी कहते थे भैया बच्चे के लिए कमाने का जरूरत नहीं, वो भो ना हर होगा तो कमा ही लेगा, अगर बदमाशी होगा ना जितने कमा कर जाते हो सब लुटा कर जाएगा, सब खत्म कर देगा। इसलिए इसी जीवन में हमारे बड़े गुरु जी कहते थे इसी जीवन में ये धन को लूटो, जो धन तुम्हारे साथ साथ जाएगा, जो धन को कोई नहीं ले सकते हैं, पूरा के पूरा तेरे साथ साथ में जो मिल जाएगा उसके लिए समय दो। ये गुरु जी कहते उसके लिए समय दो, जो असली तेरे साथ में जाने वाले, जो नहीं जाने वाले, देखो अगर पैसा छोड़ कर गए, अगर उसी पैसा से तुम्हारे बच्चे बर्बाद हुए, जुआ खेले, मांस खाए, शराब पी, ये पाप किसको लगेगा, बोले जो पैसा कमा कर गया, एक तो कमा कर गया कितने कष्ट करके, अब फिर जाकर के बच्चा गलत काम में लगा, फिर इसको नरक रोक। गुरु जी कहते थे, इसलिए गुरु जी कहते भैया ये धन को कमाओ, समय हो तो ये धन को कमाओ, जो किसी जगह में मालिक तुम भी बनोगे और अगले जीवन में मालिक तुम ही बनोगे, इसको कोई नहीं ले सकते, इसलिए चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, फूटे नहीं जावे, हर दिन दिन बढ़त सवास। इसलिए मैंने कल आपको बताया था महाप्रभु बोले ना जो लखपति होगा उसको घर में खाना खाएंगे, अब देख लो लखपत कैसे बनोगे, और एक बार दिखा देता हूँ, ये लास्ट बार आपको दिखा देता हूँ, अभी ये आपकी मर्जी है आप जिंदगी में क्या करोगे नहीं करोगे, हैं जितना दूर होता है मैं तो कोशिश करता हूँ समझाने के लिए आपको, हैं जो धन में असली धन में धनी बनोगे।
जैसे ये माला है, हैं? ये माला में हैं? जैसे माला के अंगुल को हम इसको स्पर्शन टच नहीं करते हैं, कि ये गंदा अंगुल है, हैं? ये सबसे पहले निकलता है, तेरे को मैं देख लूंगा, इसलिए अंगुल को हम बाहर निकालते हैं और ये बीच वाले अंगुल में रखते हैं, रख करके जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल के इसमें एक मत सकता है, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दो मत सकता है, देखो कैसे एक लाख होता है, महाप्रभु है ना जो लखपति उसको घर में खाएंगे, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया, जब एक मोती सरका है 16 बार, इसमें 108 मोती है, जब यहाँ समाप्त हो जाएगा इसको पार नहीं करते, इसको ऐसे घुमा देते, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से फिर माला करते, ठीक है ना, अगर इसे 16 माला हो गया तो उसमें हो गया 25,000, अगर 64 माला कर लिया ना 4 बार 16 हो गया 1,00,000, भगवान कहते हैं 1,00,000 मैंने माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट होगी, बोले ब्याज कितना मिलेगा, बोले दीन बड़ा तो सवाल, आज अगर 1,00,000 किया तो कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, कितना मिलेगी 1,25,000 मिलेगी, अब ये धन ऐसे धन है, बस जब ऊपर जाओगे चित्रगुप्त काफी खोलेगा, जो जो किया वही सब निकलेगा, हैं जितने और कोई चीज नहीं निकलेगा, कि जगत का कोई भी दान पुण्य वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा, केवल उतना लिखा रहेगा जितना प्रभु का भक्ति किया है, कितने प्रभु का भक्ति किया है वही लिखा हुआ रहता है, और जब खुलोगे ना वही मिलेगा, बस माला ही माल, आनंद ही आनंद, फिर तो जन्म जन्मांतर का दुख खत्म, फिर ठाकुर जी के चरण में स्थान मिल जाएगी और ये संसार में फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए आप बताओ मैंने जो कथा सुनाई जो चार ही बहुओं की, ये चार ही बहु में सबसे कौन सा बहु का प्रेम करो, कौन बोलते हैं हाथ उठा, कौन बोलते चौथी, कौन बोलते हैं चौथी पत्नी को मैं प्रेम करूं, हाथ उठा जोर से, हाथ क्यों नहीं उठाएगा, शर्म लगता है, देखो एक चीज को समझो, जैसे आपने किसी डॉक्टर के पास में गए, तुम्हारी कोई बीमारी है, किसी डॉक्टर के पास में गए, बीमारी बता दिया, डॉक्टर ने पर्ची बना दिया कि ये दवा को खा लेना, ये दवा तुम खा लो, ये पर्ची अगर पर्ची से अगर मेडिसिन खरीदी करोगे, अगर दवा खाओगे तब तो सही होगा, अगर ये पर्ची ले करके तुमने अपना पकेट में रख लिया लेकिन दवा खरीदी करके नहीं खाए, बीमारी सही होगा कि नहीं, नहीं होगा ना, इसलिए कहते जो चार चौथे नंबर को प्रेम करके मतलब है आज से क्या करो, कहते कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, इसलिए पहले में प्रणय हो रही बहुरी लड़ाई का, इसलिए भक्ति अभी से शुरू कर दो, क्यों कोरोना को देखा है ना कितना लोग गए, जिसको पता है कब ये ताल आ जाए, ठीक है, इसलिए आप लोग जाते समय जिसकी इच्छा होगी, जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करना चाहते हैं, आपको अभी हम तुलसी माला नहीं देंगे, आपको नीम की माला देंगे, ये माला में सब कर सकते हैं, इसमें कोई पापद कोई नियम नहीं, लेकिन हमने अभी तुलसी माला लाई नहीं, लेकिन जो गले में जो तुलसी टंगती है हम देंगे, उनको देंगे जो प्याज उसमें छोड़ देगा, जो प्याज उसमें को छोड़ देगा उसको गले में तुलसी टंगी देंगे, लेकिन जो बोलेगा प्याज उसको खाओगे अगर धीरे धीरे छोड़ोगे, आप नीम की माला दूंगा उसको लेकर के आप जब करते रहना, लेकिन धीरे 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 कोशिश करना, जैसे आप प्यार दर्शन छूट जाए, जब छूट जाएगा फिर आपका हम तुलसी माला भी जप करने के लिए देंगे, गले में पहनने के लिए भी तुलसी कटी देंगे, लेकिन जो हम नीम माला देंगे उसको आप सब लेकर के कर सकते हो, खुद भी करो अपना बच्चों को भी फजल करवा, जिसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, हाँ उल्टा पुलटा आप भगवान का नाम जप कराओ, लेकिन आपको बच्चे कभी भी गंदे रास्ता पर नहीं जाएंगे, कभी भी वो बच्चा नहीं जाएगा, सत मार्ग पर चलेगा, तुमको इज्जत करेगा, तुमको आदर करेगा, हैं? इसलिए और बल्सर में एक बेटा अगर भजन करता है ना, भगवान नरसिंहदेव कहते हैं उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता, कितना पीढ़ी 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, जो पिता माता उसको जन्म देते हैं, बच्चे जन्म उधार होने से पहले ध्रुव जी का बच्चा माता जी प्रहलाद का पिताजी पहले बैठों पर लोग गए, बाद में ये लोग गए, अगर बच्चे अगर तुम्हारी गड़बड़ी छड़बड़ी किया शराब पिए जुआ खेले मांस खाए इसका पाप भी तुम्हें लेना पड़ेगा और कोई नहीं लेगा, क्यों बच्चे तुमने जन्म लिया, इसलिए एक एक माला ले जाना, खुद माला करना,
क्योंकि पहला गुरु पिता माता है, इनसे देख कर ही बच्चे सीखते हैं, हैं? इसलिए खुद माला करना और बच्चों को बहुत माला करने के लिए देखना, उनका पढ़ाई अच्छा होगा, संस्कार भी बनेंगे और सवेरे उठ कर तुम्हारे चरण छुएंगे और उनको बोलना थोड़ी सी समय भगवान के लिए दिया करो, ठीक है ना। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की, आज एकादशी अच्छी दिन है, इसलिए आप जो चाहोगे आपको और जोर नहीं करेंगे, मैं तो समझा दिया, अभी जाते समय एक एक माला हमसे लेकर जाना, ठीक है, और लास्ट में एक माला भी जप करेंगे। राधा रानी तैयारी है ना गुरु जी, बाबा जी से पितरों की आत्म शांति मिलती है। क्या बोलते हैं बाबा जी, भागवत कथा से ही तो पितरों को शांति मिलती है, तभी तो धुंधुकारी का उद्धार हुआ, भागवत कथा से उद्धार हुआ पितरों को, ठीक है। बोले राधा रानी की जय, इसकी इसको मैया, इसकी मैया है कि नहीं, मैया कौन है, तो कुछ सरकार से करके आएगी नहीं, लेकिन अभी वृषभान महाराज सोच रहे हैं घर में एक लाली हो, क्योंकि कल सुन रहे थे ना घर में जब कोई लाली जन्म लेती है, कहते घर में लक्ष्मी आई, घर में कौन आई है बोलो जोर से, घर में कौन आई, लक्ष्मी आई। इसलिए वृषभान महाराज का नित्य नियम था, ये ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के लिए जाते थे, जब स्नान करने के लिए गए देखा एक सदल कमल पुष्पों को करने बड़ी सुंदर एक लाली पानी में बहते 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 आ रहे, और उसको देखते ही वृषभान महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने वहां से श्री राधा रानी को उठा लिया, बोलो श्रीमती राधा रानी। तब इतने नारद जी ने देखा प्रभु तो अकेले नहीं आते, जरूर उनको शक्ति को साथ लाए होंगे, घर घर में ढूंढ रहे हैं। जब वृषभान महाराज घर में आए तब उन्होंने देखा श्री राधा रानी यहीं पर जन्म लिए, वृषभान महाराज ने नौका दे दिया सब जगह पर, आज मेरे घर में लाली हुई है, आप सबके सब आओ और हम लाली वहां बधाई देंगे। इसलिए सारे ब्रजवासी वहां पर एकत्रित हुए और सबके सब बड़े उत्सव हुआ और सबके सब राधा रानी की बधाई गाए। फूल है ना इतना जब फूल है मैया जय श्री राधे, ओ लाली आई रे बरसाने चलो झूम झूम के, झूम झूम के लाली आई रे, लाली आई रे बरसाने चलो झूम झूम के, चलो झूम झूम के लाली आई रे, लाली आई रे बरसाने चलो झूम झूम के, चलो झूम झूम के लाली आई रे, लाली आई रे बरसाने चलो झूम झूम के, चलो झूम झूम के लाली आई रे, लाली आई रे Oh, Daruwa Marthi, Hey Ramthai,
Thank you.
Hare Hare Gobind Ki Jai, 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 Hare
सबके साथ कथा में आना, कथा सुनने का कल पूरा फल मिलेगा। हमारे लोकेश प्रभु प्रसाद कल है, कल आप बता देना शाम को। हाँ देखो कल कथा की विश्राम है, कल कथा के बाद में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। कल आप लोग जब समझाएंगे भोजन के बाद में प्रसाद लेकर के सबके साथ यहाँ से आना, ठीक है। और आज एकादशी है, कल 9:30 बजे को अंदर में, कितना बजे 9:30 बजे को अंदर में ठाकुर को भोग लगा करके, जैसे आज जो फल मूल खाए होंगे कल थोड़ा अन्न भोजन ठाकुर को, रोटी हो चावल हो भोग लगा कर उसको 9:30 को अंदर में अगर ले लिया आपकी व्रत खोलने का फल मिल जाएगी, ठीक है। प्रभु जी ये सब पूछ रहे हैं हवन नहीं होगा कल, हवन रात को नहीं होती है, हवन होती है दिन में होती है हवन। और कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में हवन किया है ना, नरसिंह हवन होता है, नरसिंह हवन हुआ, हरे कृष्ण नाम ही हवन है, कलि युग में प्रभु का नाम ही हवन है, अब ये सबसे बड़ा हवन है। हाँ सबके साथ एक माला करोगे तो 100 माला करने का फल मिलेगा। और कोई मुंह बंद करके नहीं बैठना, सब मुंह खोल कर बोलना, क्योंकि जो हरिनाम करेगा उसका पाप ऊपर उड़ेगी, लेकिन जो करेगा नहीं उसका सर पर बैठेगा, इसलिए कोई मुंह बंद करके नहीं करना, मुंह खोल कर करना, ठीक है। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरी हो गई एक माला हो गई ठीक माला आप लोग वापस दे दो कल माला दे दूंगा क्योंकि कल भी एक माला करके कल सबको जो चाहते हो अब कल माला सब माला वापस दे दो और आरती होगी आज कोई प्रसाद दिया है आज प्रसाद किसने दिया राधे श्याम अनिल सोनी भगवान जी का कल्याण प्रभु जी एक भजन बहुत बड़ा गाना है एक भजन अभिषेक अरे इधर आए ना साढ़े सात बज गया आप सब खड़े हो जाओ आरती होगी वो बंद करते हैं।